जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए बच्चों एक बार, और आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते आगे। हाँ जी, सबसे पहले तो आप 5-10 मिनट जो भी आपसे पूछना है पूछ लीजिए मेरे से। नमस्कार सर, कट ऑफ कितनी रहेगी? ये तो पेपर पे टिका हुआ है। पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ 60% भी जा सकती है, और अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ बच्चों 75% से कम नहीं रहेगी आईए की, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए की जो कट ऑफ है, जनरल कट ऑफ 75% रह सकती है अगर पेपर इजी है तो, और पेपर टफ है कितना भी टफ हो 60% से कम तो किसी भी हालत में नहीं रहेगी, ये आपके दिमाग में रखना। चलिए, हैंड रिटन नोट्स पढ़े या आपके वीडियो देखे, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिए तो हैंड रिटन नोट्स देखने, बार बार आपको वीडियो नहीं देखने, जितने हैंड रिटन नोट्स है बस उनको देखना है, या डेली पीडीएफ निकाल लीजिए आप, हर वीडियो की डेली पीडीएफ नीचे है, तो बच्चों डेली पीडीएफ में से रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन वीडियो के अंदर पूरी डेली पीडीएफ डाल रखी है, उनको रिवीजन कीजिए। वीडियो केवल एक बार देखना है, एक बार वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, मेरी गारंटी है, मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा कभी नहीं भूल सकता। केवल आपको डेली पीडीएफ निकालनी है, प्रिंट नहीं करवाना, डेली पीडीएफ निकाल लीजिए मोबाइल में, जैसे फंडामेंटल 40 वीडियो है, 40 की डेली पीडीएफ निकाल लीजिए, उनको रीडिंग कीजिए, एक घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा 40 की 40 पीडीएफ का। वीडियो कितनी बार देखना है? वीडियो केवल एक बार देखना है, एप्लीकेशन के शुरू से लगा के लास्ट तक केवल एक बार देखना है, उसके बाद आपको वीडियो बंद करना है, एप्लीकेशन पे आपको केवल मॉक टेस्ट देने हैं, वीडियो देखना ही नहीं है, और सभी वीडियो की डेली पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स अलग है, डेली पीडीएफ अलग है, डेली पीडीएफ को निकाल लीजिए और अपने आप ही सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन के अंदर मैंने पूरी डेली पीडीएफ लिखवाई है, नोट्स के टाइप में बनाए हैं, तो आप एक बार उनको देखिएगा। सर मैथ और रीजनिंग की क्लास, बिल्कुल 1 तारीख के बाद अपन पूरी मैथ और रीजनिंग की एक क्लास लेके आएंगे सर, की जीके की खत्म हो जाएगी, करंट जीके, तो 2-2 घंटे वहां पर मेरी क्लास भी आ जाएगी मैथ और रीजनिंग की। मैं आपके वीडियो कंटिन्यू देखती हूँ, बिल्कुल एक बार देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ इस तरीके से मैंने पढ़ाया है आप जिंदगी में नहीं भूल सकते, टेक्नोलॉजी के बादशाह बन जाओगे, मेरी गारंटी है। एक एक चीज समझाता हूँ, लेकिन आपको सीरियल वाइज वीडियो देखना है। सर करंट की क्लास 10 बजे लगवा दो, करंट तो केवल 2 दिन का और बचा है बच्चों, फिर आप राजस्थान जीके स्टार्ट होगा लाइव के अंदर, यूट्यूब लाइव के अंदर आप बोलोगे उस समय लगवा देंगे, ठीक है? और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ, और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 5 क्वेश्चन जो लिखे हैं, 5 छोड़िए 10 क्वेश्चन की तैयारी मैं करवा के जाऊंगा, लगभग 10 क्वेश्चन की। और कुछ पूछना हो तो बताइए, कुछ भी पूछना है तो बताइए, फिर अपन कंटिन्यू चलेंगे। और इस बात पे आप लाइक तो कर ही दीजिए बच्चों, इतने बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए, लाइक कम है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। मैंने गारंटी ली है सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो के अंदर से आएंगे, पूरे वीडियो देख लीजिए। आज 14 नंबर का वीडियो है, तो पहले 13 नंबर देखिए, सब सिस्टमेटिक चल रहा है बच्चों, सारे टॉपिक को एक साथ मर्ज करके चला रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है? तिलकेश की तैयारी कैसी है सर? तिलकेश कौन है? तिलकेश, अच्छा ऑफलाइन में ये बच्चा है ना, तिलकेश अच्छी है तिलकेश की, फर्स्ट रैंक आने के पूरे चांस है। अरे बच्चों, जो 10-15 बच्चे हैं जो टॉपर चलते हैं उनमें से फर्स्ट रैंक आएगी, बिल्कुल कंफर्म है। हाँ जी, और कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाइए बच्चों, समझने की कोशिश करना। कल मैंने ग्राफिक्स स्टार्ट किया था, ग्राफिक्स से आगे बढ़ेंगे अपन, एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे। हाँ जी, आज अगला क्वेश्चन है, और विश्वास है 13 वीडियो आपने देख लिए होंगे, तो चलिए मैं ग्राफिक से पूरा स्टार्ट करता हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों।
एक चीज तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सर फुल एचडी क्या होता है, फुल एचडी क्या होता है बच्चों, क्लियर, क्यू एचडी क्या होता है और बच्चों यू एचडी क्या होता है। यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं, समझने की कोशिश करना, फुल एचडी, क्यू एचडी और यू एचडी क्या होता है। बच्चों यहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, फुल एचडी, क्वाड एचडी, क्वाड हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। बच्चों याद रखिए, एक होता है एचडी, 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 फुल एचडी, क्वाड एचडी, अल्ट्रा एचडी, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। बच्चों क्वाड हाई डेफिनेशन, फुल हाई डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन, याद रखना इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। हर बार क्वेश्चन आता है इनकी साइज बताइए, एक फुल एचडी इमेज है उसकी साइज बताइए, एस्पेक्ट रेशियो बताइए, पीपीआई बताइए, विजुलेशन बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो न्यूमेरिकल भी समझाएंगे, लेकिन मेरी आदत है न्यूमेरिकल के थ्रू में पूरी थ्योरी समझाने की। तो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जब एचडी की बात आए तो एचडी को बच्चों ये 360 के चक्कर में रहता है, ध्यान रखिए 360 के मल्टीपल में ये सब चलते हैं। 360 का दुगना, इसको 720p पिक्सल भी कहते हैं। एक इमेज 720p की है, मतलब एक इमेज 720 पिक्सल की है, आप बताइए वो क्या कहलाती है, वो एचडी कहलाती है। क्लियर बच्चों, इसका दुगना एचडी, कई बार आ जाता है 720p को क्या बोलेंगे, एचडी कहेंगे। इसका तीन गुना 1080 पिक्सल की जो इमेज है उसको फुल एचडी कहेंगे। बच्चों याद रखिए ये दुगना है, ये कितना गुना है, रट लो दुगना, और ये कितना गुना है बच्चों, तीन गुना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, दुगना तीन गुना। अब क्यू एचडी, तो क्यू एचडी बच्चों इसका 6 गुना, इसका 6 गुना बच्चों, इसका 6 गुना हो गया 2160, 2160p बच्चों, क्लियर। और एक होता है बच्चों इसका 12 गुना और वो होता है 4320, क्लियर। इसका 12 गुना, इसका 12 गुना, इसका 12 गुना। तो बच्चों अगर 360 का 12 गुना करें अपन, 12 गुना करते हैं तो ये 0, ये 2, क्लियर, और ये कितना 7, 36 और 7 कितना 43। तो बच्चों एक तो ये याद रखिए, याद रखो यू एच डी को ये इमेज कहते हैं, 4320 पिक्सल की इमेज कहते हैं, क्यू एच डी को 2160 पिक्सल की इमेज कहते हैं, एफ एच डी को बच्चों 1080 पिक्सल की इमेज कहते हैं, एच डी को 720 पिक्सल की इमेज कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 720 पिक्सल की इमेज है तो बताओ क्या कहलाएगी एच डी, 1080 पिक्सल की इमेज है तो क्या कहलाएगी, फुल एच डी, 2160 पिक्सल की इमेज है वो क्या कहलाएगी, क्वाड एच डी, और बच्चों 4320 पिक्सल की इमेज है वो क्या कहलाएगी, यू एच डी। एक पॉइंट तो ये याद रखिए। अब बच्चों होता क्या है, जो भी अपन स्क्रीन की बात करते हैं उस स्क्रीन में ये क्या कहलाती है, विड्थ, विड्थ कहलाती है, और ये क्या कहलाती है बच्चों, ये हाइट कहलाती है। एक विड्थ है और एक हाइट है बच्चों। अब कॉमन सी बात है बच्चों, विड्थ में कितने पिक्सल है, पिक्सल क्या होता है कल समझा दिया था, लेकिन बच्चों याद रखिए जो आपकी स्क्रीन है उसको टेक्नोलॉजिकल तरीके से रो एंड कॉलम में बांटा जाता है। ये लीजिए रो एंड कॉलम में मैंने बांटा। अब बच्चों ये जो पार्ट होता है एक पूरा का पूरा, इसको अपन पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल ही चमकते हैं बच्चों, ये पिक्सल ही चमकते हैं। इमेज का सबसे छोटा पार्ट बच्चों क्या कहलाता है, पिक्सल, या स्क्रीन का वो सबसे छोटा पार्ट जो रिजोल्यूशन पैदा करता है उसको अपन क्या कहते हैं, पिक्सल, या फिर स्क्रीन के रो एंड कॉलम का जो पार्ट होता है, रो एंड कॉलम के कटने के बाद जो पार्ट बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, पिक्सल। बच्चों विड्थ में कितने पिक्सल और हाइट में कितने पिक्सल है, डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है बच्चों। मान लो विड्थ में आपके 16 पिक्सल और हाइट में 9 पिक्सल है, तो 16:9 बच्चों ये क्या बता रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो, क्लियर। एस्पेक्ट रेशो क्या कहलाता है बच्चों, तो एस्पेक्ट रेशो यह बताता है कि विड्थ में कितने पिक्सल और हाइट में कितने पिक्सल है। विड्थ में पिक्सल कितने हैं, 16, और हाइट में पिक्सल कितने हैं बच्चों, 9। अच्छा हो सकता है यही एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करके मैं ये बोल सकता हूँ 32 पिक्सल इधर है और बच्चों इधर कितने पिक्सल है, 18। तो इसमें भी एस्पेक्ट रेशो वही है बच्चों, समझने की कोशिश करो। इन सबके अंदर एस्पेक्ट रेशो एचडी, फुल एचडी, क्यू एचडी, यू एचडी, इनके अंदर एस्पेक्ट रेशो 16:9 है। ये याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन आया है कि आप बताइए एचडी, फुल एचडी, क्यू एचडी, यू एचडी के अंदर एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, तो 16:9 है। अब बच्चों एक कॉमन सी बात है, एस्पेक्ट रेशो दो बहुत फेमस है, एक 4:3 बच्चों, क्लियर। इसमें पिक्सल इन विड्थ और पिक्सल इन हाइट बच्चों, एक तो ये फेमस है और एक एस्पेक्ट रेशो आपका ये फेमस है, कौन सा बच्चों, 16:9। और बच्चों ये तो कंपनी के ऊपर टिका हुआ है कि वो क्या एस्पेक्ट रेशो रखना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जब एचडी, फुल एचडी, क्यू एचडी, यू एचडी के एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो बच्चों ये होता है 16:9। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना।
अब बच्चों ये जो रेशो है ये 16:9 है, तो ये जो 720 पिक्सल बोला जाता है ये इसको बोला जाता है कि इधर 720 पिक्सल है, 720 पिक्सल है ये इधर बोला जाता है बच्चों, इधर 9 है तो इधर कितना होगा बच्चों 16, और बच्चों इसके थ्रू अपन ये निकाल सकते हैं। तो बच्चों टोटल पिक्सल कितने इस पूरी स्क्रीन में, इन सब पिक्सल को काउंट करो, उसको रिजोल्यूशन कहते हैं, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। क्लियर, जितने भी पिक्सल है टोटल स्क्रीन के अंदर उसको क्या कहते हैं रेजोल्यूशन। याद रखिए कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एस्पेक्ट रेशो क्या है, तो पिक्सल इन विड्थ रेशो पिक्सल इन हाइट, ये हो गया एस्पेक्ट रेशो। अच्छा रेजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल काउंट करके बताइए स्क्रीन में, तो नंबर ऑफ पिक्सल कितने स्क्रीन में बच्चों वो क्या कहलाता है, तो वो रेजोल्यूशन कहलाता है बच्चों। क्लियर, और एक होता है पीपीआई, आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे। क्लियर है बच्चों, और शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए। अब बच्चों एचडी फुल एचडी क्यू एचडी और यू एचडी, तो एस्पेक्ट रेशो क्या है 16:9 बच्चों। क्लियर, अब एक बार बताओ ये 9 है तो यहां पर 16:9 लेके आना है, तो बच्चों 9:9 का मतलब 720 है, 720 / 9 * क्या है बच्चों 16, बच्चों ये कितना 80 16 × 8 = 128 से 1280 है। तो याद रखिए एचडी इमेज, एचडी इमेज कई बार क्वेश्चन आ जाता है एचडी इमेज की साइज बताइए, कई बार आ जाता है फुल एचडी इमेज की साइज बताइए, अरे साइज तो बात की बात है, पहले ये बताइए पिक्सल कितने हैं, तो पिक्सल की संख्या कितनी है, तो बच्चों विड्थ में पिक्सल इतने और हाइट में पिक्सल इतने, तो बच्चों एचडी इमेज में पिक्सल की संख्या क्या है, तो एचडी इमेज में पिक्सल की संख्या यहां लिख रहा हूं, एचडी इमेज में पिक्सल की संख्या, एचडी इमेज में टोटल पिक्सल, एचडी इमेज में टोटल पिक्सल कितने, तो एचडी इमेज में टोटल पिक्सल है बच्चों ये कितना है 720 और इधर कितना है बच्चों 1280 बच्चों, ये टोटल पिक्सल है और इसी को अपन रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं रेजोल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, इसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल को रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसको नहीं, इसको नहीं बच्चों, इसको नहीं, इसको नहीं, डायरेक्ट पूछ ले 720p पिक्सल वाली इमेज को क्या कहते हैं एचडी कहते हैं, लेकिन वो कहे इसका रिजोल्यूशन क्या है, तो बच्चों ये रिजोल्यूशन नहीं है, इसका रिजोल्यूशन ये है बच्चों कितना 1280, तो 1280 × 720 जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसका रिजोल्यूशन है, या फिर ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। ये एस्पेक्ट रेशो पूछे 16:9 है, रिजोल्यूशन पूछे ये होता है, एचडी इमेज को कहते क्या है, तो 720p की इमेज कहते हैं। ये क्या दे रखा है, ये हाइट में, हाइट में क्या दे रखा है बच्चों पिक्सल दे रखा है। सर डेंसिटी सेम होती है क्या, बिल्कुल होती है, तो अगर हाइट में पता है तो बच्चों इधर भी पता है, क्यों, क्योंकि एस्पेक्ट रेशो अपन को पता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो इसका एस्पेक्ट रेशो हो गया। तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि बच्चों इधर की लंबाई क्या है, इधर की चौड़ाई क्या है, उसका रेशो भी यही आएगा। अच्छा लंबाई चौड़ाई किसमें नापी जाती है, इंच में, तो बच्चों उन इंच का रेशो निकालोगे तो वो इंच का रेशो और नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल का रेशो निकालोगे तो दोनों तरीके से एस्पेक्ट रेशो आ जाता है। कोई ये कह दे कि सर ये 16 इंच की है, इधर इधर 9 इंच है, एस्पेक्ट रेशो बताइए वही होगा 16:9, क्योंकि डेंसिटी सब जगह सेम होती है। क्लियर है बच्चों, मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की, समझ जाओ इन 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 इमेज को, ये इमेज कहा जाता है, ये इमेज अगर है तो एस्पेक्ट रेशो से यह आ जाता है, और बच्चों अगर ये आ गया, अगर ये आ गया तो टोटल रेजोल्यूशन आ जाता है, तो सबके रेजोल्यूशन अपन निकाल सकते हैं बच्चों। यहां आइए, बोलो 9 का मतलब ये है, तो बच्चों 16 का मतलब क्या होगा, तो 1080 नीचे 9 * क्या कर दो 16, बच्चों 9 का मतलब ये है तो 16 का मतलब क्या होगा * क्या कर दो बच्चों 16, अच्छा 9 का मतलब ये तो 16 का मतलब क्या होगा * 16, उससे क्या आ जाएगा बच्चों रेजोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, अब बच्चों एक चीज मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, यहां तक तो आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर क्लियर। लास्ट टाइम रिवाइज करने का एक ही तरीका है, डेली पीडीएफ निकाल लीजिए एप्लीकेशन से, जैसे आपने तैयारी की है एप्लीकेशन के ऊपर वैसे के वैसे आपको चलते जाना। क्लियर, एक क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मेरे को कॉल करना, सारे क्वेश्चन एज इट इज आएंगे बच्चों, ये 13 वीडियो इससे पहले हो गए, सबको देख लो, पूरी डेली पीडीएफ निकाल लो, वीडियो केवल एक बार देखना है। क्लियर, चलिए अब बच्चों यहां तक आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इनको कहते क्या है, इनका और क्या नाम है, तो देखिए एक लिंक और बनता है इनमें बच्चों, ये एचडी, ये क्या है बच्चों फुल एचडी, बच्चों ये क्या है क्यू एचडी, और बच्चों ये क्या है यू एचडी, और बच्चों इससे पहले याद रखना एचडी एचडी है, क्लियर, इसमें कोई है नहीं। अब बच्चों एक और होता है 1K बच्चों, क्लियर। अब फुल एचडी क्या हुआ, फुल एचडी हुआ 720p
बच्चों 1280, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों इसका जस्ट आधा फुल एचडी को 2K कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल एचडी बच्चों, ये फुल एचडी, ये कुछ गड़बड़ कर दी, ये एचडी है, सॉरी फुल एचडी, तो ये 3 गुना, बोलो कितना हो गया? 1080। कितना हो गया बच्चों? 1080। नोट करने में गड़बड़ कर दी शायद, फुल एचडी 1080, और अगर इसको काटे तो बच्चों काटे तो ये 1 2 0 1 9 2, क्लियर? तो ये कितना है बच्चों? 1 9 2 1 9 2 0, क्लियर? चलिए अब बच्चों इस डेटा को देखो, ये डेटा 2K के आसपास है, 2000 के आसपास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? 2K, क्लियर? 2K, तो 1K कितना होगा? जस्ट इसका आधा, इसका जस्ट आधा, इधर हो गया 540 बच्चों, इधर कितना हो गया? इसका जस्ट आधा, तो बच्चों 9 तो 1 हो गया, और फिर क्या 960, तो बच्चों ये जो होता है इसको अपन कहते हैं 1K इमेज, 1K इमेज, ये 2K इमेज बच्चों, ये लगभग 4K के आसपास जाता है, तो ये क्या हो गया 2160p और ये 3840 बच्चों, क्लियर? तो ये क्या हो जाता है 4K, और ये कितना हो जाता है बच्चों? 8K, तो इसी इमेज को अपन 8K भी कहते हैं, इसी इमेज को QHD को 4K भी कहते हैं, FHD को 2K भी कहते हैं, HD HD रहता है, 1K इमेज अलग होता है, HD इमेज अलग होता है बच्चों, 720 ये हो गया, और इधर कितना हो गया 1280 बच्चों, क्लियर? तो ये याद रखिए HD इमेज, इसका कोई नाम नहीं है, बस HD को HD कहते हैं, फुल HD को 2K इमेज, QHD को 4K इमेज, UHD को 8K इमेज, और 1K इमेज का ये है, और सब में आपस में लिंक है, ये 360 का दुगना है बच्चों, ये 360 का 3 गुना है बच्चों, क्लियर? ये 360 का 6 गुना है, और बच्चों ये 360 का बच्चों कितना गुना है? 12 गुना है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, कितना रटोगे? अगर रटोगे तो इसलिए कंसेप्चुअल बनो, याद रखिए 1K 2K HD, HD का कोई नाम मत देना। तो 2K अपन को पता है फुल HD हो गया, 4K आ गया QHD हो गया, 8K हो गया UHD हो गया बच्चों, रेजुलेशन हो गया, नामकरण हो गया बच्चों, ये जो नामकरण पड़ा ये कितना जा रहा है? ये कितना जा रहा है? तो ये 8000 के आसपास जा रहा है, इसलिए इसको 8K कहते हैं। पहला डेटा 8000 के आसपास जा रहा है, मैंने निकाला नहीं, लेकिन अगर तुम निकालना चाहो तो 4320 डिवाइड बाई 9 इंटू क्या कर दो 16, इधर का पहला डेटा आ जाएगा इंटू ये, रटो मत, समझने की कोशिश करो बच्चों, ये 9 4 36 बच्चों, क्लियर? 4 36 9 8 72 0 48 इंटू 16 कर दीजिए बच्चों, 480 1 0 और 16 है तो कितना हो गया बच्चों? 6401 हो गया बच्चों, और क्या 0 16 8 128 12 16 64 64 और 12 कितना हो गया बच्चों? 76 7780 बच्चों, क्लियर? तो देखिए आप ये 8K के आसपास हो गए, इसलिए इसको 8K रेजुलेशन भी कहते हैं, क्लियर है बच्चों? UHD 8K रेजुलेशन, QHD 4K रेजुलेशन, FHD 2K रेजुलेशन, क्लियर? समझने की कोशिश करो, ऐसे भी नामकरण किया जाता है इनका, और ऐसे भी नामकरण किया जाता है इनका, 720p 1080p 2160p और ये भी बच्चों, और ऐसे लिखते हो तो बच्चों ये विड्थ के अकॉर्डिंग चलता है, के जब लिखते हैं तो विड्थ के अकॉर्डिंग चलता है, विड्थ के अकॉर्डिंग, और बच्चों जब ऐसे लिखते हो पिक्सल तो ये हाइट के अकॉर्डिंग आप बताते हो, हाइट के अकॉर्डिंग बताते हो, लिखने का ये पैटर्न भी सही है, लिखने का ये पैटर्न भी सही है, क्लियर? 1K आपके समझ में आएगा, HD आपके समझ में आएगा, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर? चलिए चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अपन पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को समझना। मैंने कहा ये पूरी स्क्रीन है, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन है बच्चों, ये क्या है? तो ये रो है, और ये क्या है बच्चों? ये पूरा का पूरा कॉलम है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ग्राफिक्स। अच्छा, दुनिया का सारा ग्राफिक्स केवल 10 मिनट का, 10 मिनट आपको ढंग से सुनना है, एक एक पॉइंट आइए बेस पे हो जाएगा बच्चों। इधर क्या है? इधर विड्थ है बच्चों, इधर क्या है? इधर हाइट है बच्चों, विड्थ और हाइट हो गई, तो विड्थ और हाइट का रेशो भी वही है, एस्पेक्ट रेशो, या फिर विड्थ में पिक्सल रेशो हाइट में पिक्सल, तो भी क्या जाता है? एस्पेक्ट रेशो। पहले इधर के लेंगे फिर इधर के लेंगे, क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन बोल देता है कि बताओ, आप बताइए 720 इंटू 540 का एस्पेक्ट रेशो क्या है? तो कोई बात नहीं, काटते जाओ 0 0, और काटिए, क्योंकि 720 इंटू 540 ये एस्पेक्ट रेशो होगा। अच्छा, ये पूरा क्या है? ये पूरा रेजुलेशन है बच्चों, ये पूरा क्या है? रेजुलेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा रेजुलेशन है, एस्पेक्ट रेशो निकालना है, ठीक है रेशो निकालो बच्चों, बेहतर रेशो 54 हो गया। अच्छा, 9 से काट दो, 9 6 54, 9 8 बेहतर, और काट दो 4 3, और पॉइंट में निकालना है 1.33, क्योंकि 4/3 क्या होता है? 1.33। तो बच्चों ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ऑप्शन देख लेना। तो अगर वो आपको रेजुलेशन दे दे इस तरीके से लिखा हुआ, एस्पेक्ट रेशो पूछ सकता है, क्लियर?
चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जब अपन बात करते हैं किसी भी पिक्सल की, तो मान लीजिए ये कोई इमेज है, ये कोई इमेज है बच्चों, ये कोई इमेज है, ये कुछ इस तरीके की इमेज है, क्लियर। चलिए ये इमेज है, ये इमेज है बच्चों, ये एक इमेज है, चलिए कोई भी लगा लो। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे पिक्सल है, तो आप बताइए यहाँ जो पिक्सल है इनकी सबकी वैल्यू मेमोरी में होल्ड होगी, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कहाँ होल्ड होती है, कैसे होल्ड होती है, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपके काम के लायक पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक चलते रहेंगे। अब बच्चों जब ये मेमोरी में इमेज होल्ड होती है, तो आप बताइए इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो कॉमन सी बात है, ये बिल्कुल व्हाइट है, यहाँ पर कोई कलर नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन है, क्लियर। यहाँ पर कोई ना कोई इस पिक्सल की इंफॉर्मेशन होगी, इसकी भी कोई ना कोई होगी, कलर है तो कलर के हिसाब से होगी। बच्चों याद रखो प्रत्येक पिक्सल तीन कलर से मिलकर बनता है बच्चों, क्या आरजीबी, याद रखिए। स्क्रीन का जो कलर कोडिंग है उसको आरजीबी कहते हैं, प्रिंटिंग की जो कलर कोडिंग है उसको सीएमवाई कहते हैं। प्रिंटिंग प्रिंटर कौन से कलर कोडिंग को यूज करता है, सीएमवाई, सियान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक। तो बच्चों अगर कोई पूछे प्रिंटिंग की कलर कोडिंग क्या है, तो प्रिंटिंग की जो कलर कोडिंग है, याद रखिए प्रिंटिंग की जो कलर कोडिंग है वो क्या है, तो प्रिंटिंग की कलर कोडिंग सीएमवाई के है, ठीक है। और बच्चों स्क्रीन की कलर कोडिंग क्या है, तो स्क्रीन की कलर कोडिंग क्या है, स्क्रीन की कलर कोडिंग यानी इमेज की कलर कोडिंग क्या है, कोई इमेज है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो फिर उसकी कलर कोडिंग क्या है बच्चों, आरजीबी। बच्चों आप सबको पता है सॉफ्टवेयर में जो कलर कोडिंग है वो आरजीबी है, और बच्चों हार्डवेयर में जो कलर कोडिंग है वो सीएमवाई के है, क्लियर। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में जाती है, किसमें जाती है, मेमोरी। अब बच्चों आप बताइए जो आरजीबी है ये कितने कितने बिट के कलर है, ये 8 बिट का कलर है, ये भी 8 बिट का कलर है, ये भी 8 बिट का कलर है, क्लियर। मोस्टली यही चलता है 8-8 बिट के कलर है। तो जो रेड कलर है वो 2 की पावर 8 256 तरीके से बदल सकता हूँ, ये भी 2 की पावर 8 256 तरीके से बदल सकता हूँ, ये भी 2 की पावर 8 256 तरीके से बदल सकता हूँ। बच्चों ये जो है ना ये पिक्सल, इसको मैं 2 की पावर, क्योंकि ये पिक्सल है 24 बिट का पिक्सल है, 24 बिट का क्यों, क्योंकि मेमोरी में जाएगा और 24 बिट में स्टोर होगा, 24 बिट में स्टोर होगा, क्यों होगा, क्योंकि 8 बिट का रेड इंफॉर्मेशन, 8 बिट की ग्रीन इंफॉर्मेशन, 8 बिट की ब्लू इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। अब बच्चों ये 24 बिट की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, 24 बिट केवल इस पिक्सल की इंफॉर्मेशन 24 बिट की है, 3 बाइट की है, याद रखना ये बाय डिफॉल्ट चलता है। आजकल जितने भी मॉनिटर है प्रत्येक पिक्सल 3 बाइट का कंटेंट करता है, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये याद रख लेना, डायरेक्ट टिक लगा देना। 8 बिट कलर कोडिंग है और टोटल 24 बिट कलर कोडिंग है। एक बार क्वेश्चन आया 24 बिट कलर कोडिंग है, या तो ये बोल दे 24 बिट कलर कोडिंग है, या फिर वो ये बोल दे प्रत्येक कलर 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दोनों एक ही बात है। 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो तुमको खुद को सोचना होगा कलर तो 3 ही है, कलरिंग प्राथमिक कलर, ये टाइपिंग, ये प्रिंटिंग के प्राथमिक कलर, ये बच्चों स्क्रीन के प्राथमिक कलर, आरजीबी, तो 8 बिट, तो 24 बिट की कलर कोडिंग है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मेमोरी की बात करेंगे तो प्रत्येक पिक्सल का अपना एक एड्रेस होता है, प्रत्येक पिक्सल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाती है। अब बच्चों जो कलर इसमें होगा, कलर कितने तरीके से हो सकता है, 2 की पावर 24 तरीके से, आप सबको पता है 2 की पावर 24 कितना होता है, तो बच्चों 2 की पावर 4 अलग कर दो, 2 की पावर 10 अलग कर दो, 2 की पावर 10 अलग कर दो, तो बच्चों ये हो गया 16 और ये हो गया 1000, ये हो गया मिलियन, तो 16 मिलियन कलर एक एक पिक्सल के हो सकते हैं। बच्चों एक पिक्सल कितने तरीके का कलर रख सकता है, तो 16 मिलियन तरीके का कलर रख सकता है। क्यों रख सकता है, क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि बच्चों 24 बिट है, 24 बिट में जैसे परिवर्तन करोगे वैसे डिफरेंट कलर बनेंगे, तो प्रत्येक जो पिक्सल है वो बच्चों 16 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो बच्चों 1.6 करोड़ याद रखिए, 1. अगर पूरा देखे तो 1677 इतने कलर, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 24 की वैल्यू होती है, 1677216 इतने कलर एक पिक्सल के हो सकते हैं बच्चों, इतने कलर एक पिक्सल के हो सकते हैं। लेकिन एक पिक्सल मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो 3 बाइट बच्चों, क्लियर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन हर बार आता है। फर्स्ट 8 बिट रेड, सेकंड 8 बिट ग्रीन और थर्ड 8 बिट ब्लू, क्लियर है बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, यहां से समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन आया बच्चों एक एचडी इमेज है, उसकी साइज बताइए,
क्या बताना है बच्चों साइज, यानी वो कितने एमबी की है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एचडी इमेज है तो आपको उसका रिजोल्यूशन पता होना चाहिए, रिजोल्यूशन पता होना चाहिए बच्चों, क्लियर। अब एचडी इमेज है तो गुरु जी ने पढ़ाया था कि 360 का दुगना 720 यहाँ से स्टार्ट होता है और 9:16 कितने में, 16 में चलता है। तो बच्चों ये 80 हो गया, तो ये हो गया 1280 बच्चों, ये उसका रिजोल्यूशन हो गया इतने पिक्सल बच्चों, उसमें टोटल पिक्सल की संख्या पूरी स्क्रीन में इतनी है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, 1280 इंटू 720 नंबर ऑफ पिक्सल हो गए, व्हाट इज दिस नंबर ऑफ पिक्सल हो गए। और बच्चों आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, प्रत्येक पिक्सल 3 बाइट की इंफॉर्मेशन रखता है, तो ये कितना हो गया 1280 इंटू 720 इंटू कितना हो गया बच्चों 3 बाइट। ये आपके क्या बनी, ये बनी आपकी उस इमेज की साइज। अब बच्चों इस इमेज की साइज को मैं किलोबाइट मेगाबाइट इसमें कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1280 इंटू 720 इंटू कितना 3, ये तो बाइट है, 1024 से डिवाइड करेंगे किलोबाइट, फिर 1024 से डिवाइड करेंगे मेगाबाइट, तो बच्चों इतने मेगाबाइट की ये इमेज बनेगी जो एक एचडी इमेज है। और उसने कुछ नहीं दिया, केवल इतना बोला एचडी इमेज की साइज बताइए, मैंने पूरा कर दिया। एचडी इमेज में अपन को पता है इसको कहते हैं, अपन को पता है एचडी इमेज में ये एस्पेक्ट रेशियो होता है, अपन को पता है एक पिक्सल 3 बाइट का होता है, अपन को पता है कि ये बाइट है, इसको मेगाबाइट में कन्वर्ट कर दो, क्लियर। सोल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, यहां तक क्लियर हो गया होगा क्या, एक बार कमेंट करो बच्चों, क्या यहां तक समझ में आ गया आपके, रेजोल्यूशन क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, हाइट क्या होती है, वेट क्या होती है, क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अपन पीपीआई की, क्लियर। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें, सर आपने नोट्स में क्यू एच डी 2560 इंटू 1440 लिखवाया है, वो अलग एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर होगा ना, इस एस्पेक्ट रेशियो पे तो नहीं है, क्यू एच डी 1440 ऊपर नीचे हो गया शायद किसी से, एक बार देख लेना, एक बार देख लेना, बाकी यही चलता है। वेक्टर और रास्टर स्कैन बताएंगे, बिल्कुल वेक्टर और रास्टर स्कैन बताएंगे, बताते हैं, 2 मिनट रुकिए, याद दिला देना अभिषेक राठौड़, वापस 5 मिनट बाद वापस याद दिला देना, क्लियर। बीच में अगर अपने इसको छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो 5 से 10 मिनट बाद आप मेरे को याद दिला देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, और शेयर नहीं रुकना चाहिए बच्चों, लाइक नहीं रुकना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आप पढ़ के नहीं जाते, और जो आते हैं तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, तुम वो पढ़ के जाते हो जो तुमको मीठा लगता है, मीठा मीठा खा लेते हो, और जो कड़वा कड़वा है उसको थू थू कर देते हो। एग्जाम तुम्हारे हिसाब से नहीं बनता, एग्जाम एनआईटी के लोग बनाते हैं, तो कम से कम वो तो देंगे जो उन्होंने पढ़ रखा है, वो तो देंगे जो उनके विचार है, कोई तुमसे रैम की रोम की फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, जमाना जा चुका है, 2020 का जमाना लगता, 2020 से पहले के सारे एग्जाम लो लेवल पे थे, आपके सारे एग्जाम अच्छे लेवल पे होते हैं, वो आपने देख लिए होंगे पिछले साल से अब तक लगभग 16-17 तरीके के एग्जाम हो चुके, सबके अच्छे लेवल आए, सब में सीटें खाली गई है, तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए, क्लियर। चलिए सर सी के टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दो, बिल्कुल ऑर्डर करते जाओ, मैं सारे काम करवा दूंगा। तो बच्चों ये एमबी क्यों बना, क्योंकि एक बार डिवाइड करेंगे किलोबाइट, फिर एक बार डिवाइड करो तो क्या हो गया मेगाबाइट, अब इसको काट लेना कोई ना कोई एमबी आ जाएगी, कितने एमबी की एचडी में होती है वो पता चल जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आया था वही ले लेते हैं अपन। देखो बच्चों ये तो कल करवा ही दिया था मैंने, एक बार इसको मैच करवा दो, ये कल करवा दिया था, ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के अंदर आया था बच्चों। अब पीजीटी के अंदर बच्चों एचडी का तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है, जो मैंने कल करवाया था, कल का वीडियो देखना, एचडी इमेज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एचडी इमेज क्या है बच्चों, जस्ट सामने है बच्चों, फुल एचडी इमेज क्या है, 1080 वाली, ये आपकी फुल एचडी इमेज है बच्चों। क्यू एचडी इमेज किसको कहते हैं, तो क्यू एचडी इमेज ये हो गई, और बच्चों यू एचडी इमेज आपकी ये हो गई, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बच्चे ने कैलकुलेशन कर लिया उसकी, तो क्या कैलकुलेशन की है, 2.63 MB, ये लीजिए 2.63 MB, क्लियर। तो एचडी इमेज की जो साइज है वो 2.63 MB की है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं और समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए हाँ जी ये क्वेश्चन है, इसको समझना आप अच्छे तरीके से, क्लियर। मैं पहले ग्राफिक्स वाले पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके गेट का क्वेश्चन है बच्चों, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं, क्लियर है। चलिए पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट मेमोरी साइज इन मेगाबाइट ऑफ एन अनकंप्रेस्ड फुल एचडी इमेज विद ए रिजोल्यूशन, क्लियर।
फुल एचडी भी दे देता तो भी अपन को ये निकालना आता है बच्चों, क्लियर? फुल एचडी इमेज विद रिजोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सल एंड 24 बिट पर पिक्सल, अब ये नहीं देता तो भी अपन को पता है, फुल एचडी लिख देता तो भी अपन को पता है, वो नहीं देता ये नहीं देता तो भी अपन को पता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, वो मायने रखता है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्लियर? अब इतना तो आपके दिमाग में आ ही गया, इतना तो आपके दिमाग में आ ही गया कि सर फुल एचडी आते ही आगे का कोई डेटा दे या नहीं दे। तो कई बार क्या होता है, गेट में इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं, फुल एचडी इमेज की साइज बताइए, क्लियर? चलिए अब बच्चों ये नहीं दे तो भी अपन को पता है, और ये नहीं दे तो भी अपन को पता है, क्योंकि मैंने बता दिया बाय डिफॉल्ट पिक्सल 24 बिट का होता है, 24 बिट की इंफॉर्मेशन के रूप में सेव होता है, और ये भी मैंने बता दिया कि बच्चों 360 का 3 गुना वहां से स्टार्ट करो फुल एचडी, ठीक है। अब जिसने शुरू से वीडियो देखा आज तो उसके समझ में आ गया होगा। अब 1920x1080 ये तो क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ पिक्सल हो गया, नंबर ऑफ पिक्सल, और इसी को अपन रिजोल्यूशन कहते हैं, इसी को रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आप बताइए प्रत्येक पिक्सल 3 बाइट का है, क्यों है 3 बाइट, ये भी आपके क्लियर? तो इमेज की साइज इतनी हो गई। अब इसको डिवाइड कर देना बच्चों 1024 × 1024, तो पहले से डिवाइड किया तो किलोबाइट, एक और डिवाइड किया तो मेगाबाइट, तो बच्चों ये जो साइज निकल के आई ये किसमें निकल के आई, मेगाबाइट। और बच्चों अगर तुम्हारे कैलकुलेटर चल रहा है तो निकाल के बता दीजिए कितना आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, वेरी गुड 5.9, वेरी गुड, क्या है 5.9, अप्रोक्सीमेट बताना है, अप्रोक्सीमेट बता दीजिए, क्योंकि वहां कैलकुलेटर नहीं चलते तो अप्रोक्सीमेट बता दो, बाकी इसको काटना बच्चों काट के अपन निकाल सकते हैं, क्लियर? हाँ जी 5 MB आ रही है, वेरी गुड, कितनी आ रही है बच्चों 5 MB, ठीक है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए एक ये क्वेश्चन आया है, ये भी बच्चों गेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है, स्क्रीन साइज क्या होती है, डॉट पिच क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होती है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है बच्चों कोई इमेज बन गई, मान लीजिए मैं प्रकट हो गया किसके ऊपर, ग्राफिक्स क्या होता है, इमेज होती है। एनिमेशन क्या होता है, इमेज के साथ साथ ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ये सब अगर इंक्लूड हो जाता है तो एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है ग्राफिक्स के साथ कोई एक एक डेटा टाइप और होना चाहिए, ग्राफिक्स के साथ डेटा का एक फॉर्मेट और होना चाहिए। तो ग्राफिक्स मतलब इमेज के साथ अगर ऑडियो है तो भी वो एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स के साथ अगर वीडियो है तो भी वो एनिमेशन हो गया। तो बच्चों ग्राफिक्स के साथ कोई और चीज होनी चाहिए तो वो एनिमेशन बनता है। अपन बात किसकी करें, केवल इमेज की बात करें, ग्राफिक्स मतलब इमेज इमेज इमेज। थोड़े दिनों में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑडियो फाइल वीडियो फाइल इमेज फाइल है ना कंप्रेस फाइल, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया में जितनी भी ये फाइलें आई उनके फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाता है, कोई ये पूछेगा कि लॉस सी कौन सी है, लॉसलेस कौन सी है, उन सब की चर्चा करेंगे। और ऐसे मैंने खूब पढ़ा रखा एप्लीकेशन के अंदर, क्लियर? चलिए क्लियर है बच्चों, चलिए। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन है एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, स्क्रीन साइज क्या होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पिच क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको रिफ्रेश रेट बताता हूँ, सुनना बच्चों इस बात पे एक बार शेयर कर दो, बच्चों शेयर कर दो, सब यूनिक चीज मिलेगी, जो सब छोड़ के जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाने आता हूं, ये ध्यान रखिए आपके दिमाग के अंदर। मेरे को पता है बच्चों क्या स्थिति है टेक्नोलॉजी के मामले में देश की, क्या स्थिति है मेरे से छुपा हुआ कोई नहीं है, इसलिए आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, मैं गारंटी लेता हूं 25 दिन में तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि एस्पेक्ट रेशियो, स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। रिफ्रेश रेट क्या होता है बच्चों, मैं अभी स्क्रीन पे प्रकट हुआ तो बच्चों अगली जो इमेज प्रकट होगी उसमें कितना टाइम लगता है उसको अपन कहते हैं रिफ्रेश रेट, कि कितने समय में रिफ्रेश हो जाता है, 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होता है उसको अपन कहते हैं रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश होने का मतलब क्या है, आप सबको पता है बच्चों कोई चीज प्रकट होती है तो बच्चों उसके बहुत सारे फ्रेम प्रकट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अपनी आंखें 20 परिवर्तन को देख सकती है और 20 के बाद अपनी आंखें ये मानती है कि ठीक है ये इमेज वीडियो के अंदर है। बच्चों एक तो इमेज होती है एक वीडियो है, वीडियो और इमेज में इतना सा अंतर है कि एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारी अगर इमेज गुजार दे कंटिन्यूअसली तो बच्चों 20 से ज्यादा इमेज अगर अपन गुजार देते हैं तो वो वीडियो बन जाती है, क्लियर? तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वीडियो क्या होता है। तो वीडियो बच्चों इमेज के साथ अपन क्या करते हैं, इमेज के साथ अपन रिफ्रेश रेट को जोड़ देते हैं बच्चों, क्लियर? तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वीडियो बन जाता है। वीडियो का मतलब मूविंग पार्ट चल जाती है, इमेज के साथ मूविंग चलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इमेज चल रही है मूविंग चल रही है। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है बच्चों, जब अपन कोई टीवी देखते हैं कोई बच्चों स्क्रीन देखते हैं तो आपको पता है फटाफट इमेज उसके ऊपर आ रही है,
तो एक सेकंड में कितनी बार इमेज डेवलप हो रही है वो उसकी रिफ्रेश रेट है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा बच्चों एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये मैंने बता दिया। हाइट विड्थ के अंदर क्या है, विड्थ के अंदर पिक्सल और हाइट के अंदर पिक्सल का रेशियो, वो क्या होता है बच्चों एस्पेक्ट रेशियो होता है। एक होता है बच्चों डॉट पिच, डॉट पिच क्वालिटी को मेजर करने के काम में आता है। अगर मान लीजिए दो पिक्सल ये है, एक ये और ये है, और इनके बीच में गैप ज्यादा है तो बच्चों डॉट पिच ज्यादा है। डॉट पिच बच्चों दो पिक्सल के बीच में क्या गैप है बच्चों, दो पिक्सल के बीच में डायगोनली गैप है। डायगोनली का मतलब कम से कम, ऐसे काउंट मत कर देना, डायगोनली गैप मतलब कम से कम गैप है। तो दो पिक्सल के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं डॉट पिच, और जितना डॉट पिच कम होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। क्योंकि आप बताइए इनका डॉट पिच कम होगा तो बच्चों इस एरिया में क्या होगा पिक्सल ज्यादा होंगे, पिक्सल ज्यादा होंगे एक तो डॉट पिच कम है तो बच्चों पिक्सल बहुत नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक है क्योंकि डॉट पिच कम है, तो पिक्सल ज्यादा हो जाएंगे क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो डॉट पिच अगर कम है मतलब गैप कम है तो क्वालिटी हाई रहती है, क्वालिटी क्या होती है हाई। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए बच्चों, क्लियर। एक चीज और आई, स्क्रीन की साइज क्या होती है, तो स्क्रीन की साइज का मतलब होता है उसकी डायगोनल, उसकी जो डायगोनल है ये नहीं डायगोनल, उसका जो डायगोनल होता है डायगोनल की जो साइज होती है वो स्क्रीन की साइज है। मान लो ये 12 का है, ये 9 का है, तो बच्चों आप बताइए स्क्रीन की साइज क्या है। तो कई बार दे देता है कि विड्थ है 12 इंच और हाइट क्या है बच्चों 9 इंच, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या है 12:9। एस्पेक्ट रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेंसिटी सब जगह बराबर है। और बच्चों याद रखिए अगर वो ये पूछे स्क्रीन की साइज क्या है, तो स्क्रीन की साइज कैसे निकालेंगे, स्क्रीन की साइज, तो स्क्रीन की साइज बच्चों 12 का स्क्वायर 144, पाइथागोरस आपको पता होगा 81, तो टोटल 225 का रूट कितना 15, तो ये 15 इंच का मॉनिटर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो स्क्रीन की साइज अलग चीज है बच्चों, स्क्रीन की साइज में विड्थ का और हाइट का कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीन की साइज में डायगोनल देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा बच्चों डायगोनल, क्लियर। तो चलिए डॉट पिच हो ही गया, स्क्रीन की साइज हो ही गई, एस्पेक्ट रेशियो हो ही गया, रिफ्रेश रेट हो ही गया, क्लियर है बच्चों। चलिए एस्पेक्ट रेशियो हो ही गया, स्क्रीन साइज हो ही गई, रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल को कहते हैं, नंबर ऑफ टोटल पिक्सल इसको क्या कहते हैं बच्चों रेजोल्यूशन कहते हैं। डॉट पिच किसको कहते हैं, दो पिक्सल के बीच में गैप जो होता है उसको डॉट पिच कहते हैं। रिफ्रेश रेट का मतलब एक इमेज और दूसरी इमेज के बीच में बनने में जो समय लगा उसको रिफ्रेश समय कहते हैं, और एक सेकंड में कितनी बार इमेज प्रकट हुई है उसको रिफ्रेश रेट कहते हैं, क्लियर। क्या ये सारी चीजें आपके क्लियर है, और अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अब आप इनको मैच कर देते हैं, और जैसे ही ये मैच होगा उसके बाद आपको शेयर करना है क्लास को। तो चलिए द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ द डिस्प्ले उसको क्या कहेंगे बच्चों, एस्पेक्ट रेशियो। गेट का क्वेश्चन है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल ऑन ए डिस्प्ले उसको क्या कहेंगे बच्चों, डॉट पिच। बच्चों द नंबर ऑफ पिक्सल इन द विड्थ एंड हाइट ऑफ ए डिस्प्ले, नंबर ऑफ पिक्सल तो बच्चों उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सल इन द विड्थ एंड हाइट ऑफ ए डिस्प्ले, नंबर ऑफ पिक्सल चाहे विड्थ हो चाहे हाइट हो दोनों में ही टोटल पिक्सल कितने हैं, तो बच्चों इन दोनों का गुणा जो भी अगर अपन बात करें तो 720 इंटू कितना बच्चों जो भी है 1280, क्लियर। तो कॉमन सी बात है ये टोटल गुणा, तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। द नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड द इमेज ऑन द स्क्रीन इज रेड्रॉन मतलब प्रकट होती है, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं अपन रिफ्रेश रेट। पर सेकंड रेट प्रत्येक सेकंड में कितनी बार इमेज प्रकट होती है उसको कहते हैं रिफ्रेश रेट, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल साइज ऑफ द डिस्प्ले फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है बच्चों, इसको बोलते हैं साइज। तो स्क्रीन साइज ये यहां से अंत तक है, अपन बोलते हैं 15 इंच का मॉनिटर, 17 इंच का मॉनिटर, तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसके डायगोनल की साइज है, ऐसे नहीं है रीडिंग, ऐसे नहीं है बच्चों, इस तरीके से है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्लियर है, एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी ग्राफिक्स में से, फिर आप जो पूछ रहे हो उसके बारे में भी बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पहले ले लेते हैं, हाँ जी बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, यह भी आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। तो बच्चों ग्राफिक्स को मैं
देखिए पूरे टॉपिक में एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, आपको टाइम दूंगा, आप जाके डेली पीडीएफ देखिए ग्राफिक्स के, क्लियर। तो ग्राफिक्स में कुछ भी छूटेगा अगले क्वेश्चन के साथ समझा देंगे। आपके सारे टॉपिक चला रखे हैं मैंने, जितने 30 के 30 टॉपिक है सारे चला रखे, पता नहीं कितनी बार रिविजन करा दूंगा 25 तारीख आते आते, सॉरी 25 दिन के अंदर अंदर पता नहीं कितने रिविजन हो चुके होंगे। तुम तैयार रहिए, एक दिन में ग्राफिक्स नहीं निपटाऊंगा, ध्यान रखिए। इसलिए नहीं क्योंकि ताकि तुम मेरे साथ साथ पढ़ सको, डेली पीडीएफ निकाल लो एप्लीकेशन में से और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो नोट्स फ्री कर रखे सबके लिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इमेज हैज ए रेजोल्यूशन ऑफ दिस पिक्सल बाय दिस पिक्सल। तो बच्चों इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, तो बच्चों मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं, इसमें ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलो व्हाइट ले लेते हैं। बच्चों रेजोल्यूशन क्या है, तो रेजोल्यूशन है बच्चों, रेजोल्यूशन कितना है, तो बच्चों 2400 पिक्सल × 1800 पिक्सल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 2400 पिक्सल तो ऐसे जमे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि 2400 पिक्सल तो ऐसे जमे हुए हैं, क्लियर, और 1800 पिक्सल ऐसे जमे हुए, और टोटल कितना है, तो टोटल है 2400 × 1800। अगर वो पूछे हाइट के रेस्पेक्ट में कितने पिक्सल है तो 1800, और विड्थ के रेस्पेक्ट में कितने पिक्सल है तो 2400, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो एन इमेज है जो रेजोल्यूशन ऑफ दिस बाय दिस, कैलकुलेट द पीपीआई, पीपीआई पहली बार आया, पीपीआई पिक्सल पर इंच, ये अपन को कैलकुलेट करना है, क्लियर। पीपीआई ऑफ दिस इमेज अज्यूम इट डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन विद डायमेंशन 12 इंच बाय 9 इंच। बच्चों जो डायमेंशन है इंच में वो डायमेंशन कितनी है, 12 इंच, और ये कितना है बच्चों 9 इंच, क्लियर 9 इंच, ये तो स्क्रीन की साइज है, इधर 12 है इधर 9 है, तो आप बताइए कोई ये बताएगा स्क्रीन की साइज क्या होगी। देखो बच्चों अलग अलग चीजें समझने की कोशिश करो, अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए पीपीआई, क्लियर। अब बच्चों थोड़ा सा आप समझना, अपन को एक तो रेजोल्यूशन दिया है और एक अपन को दिया है कि जो स्क्रीन है उसकी विड्थ दी है और उसकी हाइट दी है, स्क्रीन की साइज भी नहीं दी है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट दी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि स्क्रीन की साइज बताओ कितनी, तो स्क्रीन की साइज तो बच्चों इसका डायगोनल होता है, तो डायगोनल बच्चों 144 तो एक हो गया, 81 एक हो गया, तो बच्चों 225 हो गया, 225 का रूट 15 इंच का हो गया। तो बच्चों अगर कोई ये पूछे स्क्रीन की साइज बताओ तो 15 इंच है, 12 इंच नहीं है, 9 इंच नहीं है, स्क्रीन की साइज 15 इंच है, अगर नापने बैठोगे स्क्रीन को तो 15 इंच की है, क्लियर। चलिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 12 इंच 9 इंच, तो ये 15 इंच की साइज है इसकी, स्क्रीन की। अब चलो स्क्रीन की साइज उसने नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि पीपीआई बताइए, पीपीआई क्या होता है, पिक्सल पर इंच, प्रत्येक इंच में कितने पिक्सल है, प्रत्येक इंच में कितने पिक्सल है। तो याद रखना बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आपको अगर प्रत्येक इंच में पिक्सल चाहिए तो इसकी साइज तो यह है ना बच्चों, ये तो साइज है ही नहीं, ये भी साइज नहीं है, तो फिर क्या करें, तो आप बताइए इस डायगोनल पे कितने पिक्सल है वो निकाल लो और उसको इस डायगोनल की साइज से डिवाइड कर दो, क्योंकि डायगोनल है 15 इंच का, डायगोनल है 15 इंच का, और डायगोनल पे पिक्सल कितने वो आ जाएंगे। हाँ ऐसे पिक्सल पता है 2400 है, ऐसे पिक्सल कितने है? याद रखिए ऐसे पिक्सल कितने है? तो ऐसे पिक्सल 2400 है, 2400 आपका पिक्सल है ऐसे। अच्छा इधर कितने पिक्सल है, तो इधर 1800 पिक्सल है, ठीक है। तो फिर डायगोनल पे कितने पिक्सल है, तो इनसे तो ज्यादा ही होंगे, और डेंसिटी अगर फिक्स है तो 2400 का स्क्वायर प्लस कितना 1800 का स्क्वायर, और बच्चों इसका रूट ले लो, ये नंबर ऑफ पिक्सल है, कहां पर डायगोनल के ऊपर पिक्सल है, ये डायगोनल के ऊपर पिक्सल है, समझो पीपीआई पीपीआई करके होता क्या है, पीपीआई प्रत्येक इंच के ऊपर कितने पिक्सल है। अरे नापेंगे किसको, कहां देखेंगे, यहां देखेंगे या यहां देखेंगे या यहां देखेंगे। तो याद रखिए अगर आपको इंच देखना है तो साइज देखनी है, और साइज देखनी है तो डायगोनल देखना है, और डायगोनल देखना है तो 15 इंच का है, अगर 15 इंच का डायगोनल है तो डायगोनल पे आपको क्या चाहिए, पिक्सल। तो बच्चों 1800 पिक्सल ऐसे, 1800 पिक्सल ऐसे, और बच्चों सॉरी 1800 पिक्सल ऐसे और 2400 पिक्सल ऐसे, तो डायगोनल पे पिक्सल आ जाएंगे। अरे भाई लंबाई दोगे लंबाई तो लंबाई आ जाएगी, और ऐसे पिक्सल ऐसे पिक्सल क्योंकि डेंसिटी सेम है, तो बच्चों डायगोनल पे पिक्सल आ जाएंगे, ठीक है। अब डायगोनल पे पिक्सल बच्चों इतने हो गए, अब बच्चों 24 का 576 होता है 0000, और 18 का कितना होता है 384 होता है 384 0000। बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं, रूट ले लेंगे बच्चों 0000, 6 4 10 8 7 15 1 16 5 3 8 1 9, बच्चों इसका रूट ले लेंगे। तो बच्चों एक जीरो बाहर आ गई, दूसरी जीरो और बाहर आ गई, रूट में कैसे होता है ये पता है, 960 अगर ले तो बच्चों 960 के नजदीक नजदीक ले लो, ज्यादा बड़ी अपन को बात नहीं करनी, 960 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कितना है, तो बच्चों 960 के 930 का होता है,
31 का 961 होता है, तो चलिए मैं इसको 31 ले लेता हूं, क्योंकि 961 किसका होता है, 31 का, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों 3100 पिक्सल पर इंच नहीं है, ध्यान रखिए 3100 पिक्सल डायगोनल पे है, ये वर्ड आया डायगोनल के ऊपर है, किसके ऊपर है, डायगोनल, 3100 पिक्सल डायगोनल के ऊपर है, पर इंच नहीं है, ये 2400 पिक्सल विड्थ में है, ये 1800 पिक्सल हाइट में है, ये 3100 पिक्सल डायगोनल पे है, लगभग इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा, क्योंकि मैंने इसको 961 ले लिया, इसलिए अप्रोक्सीमेटली करेंगे, वहां कैलकुलेटर चलता नहीं। तो 3100 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 3100 को डिवाइड कर दो, क्योंकि इस पूरे 15 इंच में 3100 है, तो प्रत्येक इंच में डिवाइड बाई 15, और बच्चों जब इसको सोल्व करोगे तो 15 2 30, तो 200 से ऊपर जा रहा, और 200 से ऊपर केवल एक ही आंसर है, 200 से ऊपर यानी 200 के आसपास का आंसर केवल एक ही है, और क्या है, 200 PPI। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर 200 से ऊपर इसलिए जा रहा है, ये लगभग 3000 ले लो आप, क्यों, क्योंकि इतना भी नहीं बन रहा, 61 था यहाँ पर, तो 3000 डिवाइड बाई क्या कर दो 15, तो 200 PPI है, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जो आज तक रटते आए हो आप, पीपीआई क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, साइज क्या होती है, मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्लियर, मेरे हिसाब से पूरा ग्राफिक समझ में आ गया होगा, क्या ये क्लियर है, अगर क्लियर है तो लाइक बनता है बच्चों, और शेयर भी बनता है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो, मैंने वादा किया है प्रत्येक क्वेश्चन आपका बैठा दूंगा, मैंने जो पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो कॉल करना, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा है कॉल करना, लेकिन पढ़ना पूरा है, 1 से लगा के 14 वीडियो, किसी ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो मेरे पर भरोसा रखो, 1 से 13 तक वीडियो देखो, 14 वीडियो और देखो, पेपर कितना भी टफ आए, मैं तो मैक्सिमम टफ लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम टफ भी आएगा तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं करने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बच्चों क्या पूछना चाह रहे थे ग्राफिक्स में वो पूछो, फिर ना तो सेकंड टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं, सेकंड टॉपिक क्या बनता है, क्लियर, क्लियर है, अंत तक समझ में आ गया होगा, हाँ जी, चलिए भाई, कमेंट कम है इस बैच में, आधे बच्चे तो दुखी है कि हम पहले क्यों नहीं जुड़े सर से, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अरे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, आप जुड़ जाओ, आप जुड़ जाइए, वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स, क्लियर, तो देखिए वेक्टर एंड रास्टर को मैं अभी तो इतना समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन आ रहा है आगे, मैंने लिए है तो उसमें और अच्छी तरीके से कल समझाएंगे, वेक्टर क्या होता है और रास्टर क्या होता है, तो देखिए रास्टर और वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, फाइल एक्सटेंशन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब ले लेंगे, वेक्टर और रास्टर को मैं एक वर्ड में बता रहा हूं और फाइल एक्सटेंशन को भी मैं एक वर्ड में बता रहा हूं अभी, तो फिर धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को कवर करना है। देखो बच्चों वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, रास्टर ग्राफिक, रास्टर के अंदर क्या होता है, प्रत्येक पिक्सल की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, प्रत्येक पिक्सल को बनाया जाता है, प्रत्येक जो डायग्राम होता है उसको कंप्लीट बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बनाता हूं सर्किल, तो सर्किल में क्या होता है बच्चों, रास्टर के अंदर क्या होता है, तो जब मैं सर्किल बनाऊंगा ना बच्चों, तो मेरे को सर्किल के प्रत्येक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को होल्ड करना पड़ता है, क्लियर, रास्टर प्रत्येक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को होल्ड करना है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करते हैं, उनको पता है कि x² + y² = r² होता है, तो ये सर्किल बन जाता है बच्चों, तो सर्किल में क्या करता है, वो एक सेंटर को यूज करता है और सेंटर से डिस्टेंस का फॉर्मूला r यूज करता है, और बच्चों एक पिक्सल स्टार्ट करता है कि इस पिक्सल से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो आपको सभी पिक्सल की इंफॉर्मेशन होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, सभी पिक्सल की इंफॉर्मेशन होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पिक्सल इस फॉर्मूले को, मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज करके बच्चों ऑटोमेटिक आपका सर्किल बन जाता है, इसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर वेक्टर जो मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करें, वेक्टर जिसके अंदर आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़े, वेक्टर जो डायनेमिकली रिप्रेजेंट हो, रास्टर जिसमें प्रत्येक पिक्सल की इंफॉर्मेशन मेमोरी में होल्ड करें, रास्टर जिसकी इमेज की साइज बहुत बड़ी हो, वेक्टर जिसकी इमेज की साइज बहुत छोटी हो, वेक्टर जिसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज आते हो, वेक्टर जिसके अंदर फॉर्मूले यूज आते हो, वो क्या है वेक्टर, और बच्चों जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बिना दिमाग का काम करना है, बिना दिमाग के प्राणी की तरह प्रत्येक पिक्सल की इंफॉर्मेशन रख लो, और बच्चों कहां कहां आपको दिखाना है उसको मेमोरी से उठा के दिखा दो, कोई मैथमेटिकल लॉजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं है, वो है रास्टर, क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्या ये क्लियर है बच्चों, याद रखिए वेक्टर मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू ग्राफिक्स, मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू ग्राफिक्स,
और बच्चों केवल मेमोरी के अंदर डेटा होल्ड करके बच्चों इमेज बनाना वो क्या कहलाता है रास्टर। क्लियर? बाकी मैं क्वेश्चन के हिसाब से एक न्यूमेरिकल लूंगा और उसमें दोनों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे अपन। चलिए बच्चों क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ जाइए, एक इस क्वेश्चन को देखिए आप। द डिस्क एसेज टाइम कंजिस्ट ऑफ, डिस्क एसेज टाइम, क्वेश्चन इतने भरे पड़े बच्चों। ये टॉपिक एसेज टाइम क्या होता है, सिक टाइम क्या होता है, लेटेंट। देखो बच्चों मैंने जब आपको पढ़ाया था प्रोसेस पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि कोई प्रोसेस आता है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले अराइविंग टाइम होता है, फिर फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम होता है, फिर रेस्पॉन्स टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, ब्रश टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, क्लियर कंप्लीशन टाइम होता है। ये सारे टाइम जो मैंने पढ़ाए थे वो किसमें पढ़ाए थे, प्रोसेस के अंदर और जॉब के अंदर पढ़ाए थे। आज बच्चों अपन डिस्क की पूरी चर्चा करते हैं। डिस्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डिस्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपके सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। क्लियर? डिस्क में अपन पढ़ेंगे सिक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ऐसे टाइम क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, किस तरीके से अपन निकालते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और कैसे इनके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और कैसे बच्चों इनके सबके कंसेप्ट लगाते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। एक बार आपको कंसेप्ट को समझना है तो देखिए, पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं ताकि कोई नया बच्चा भी होगा जिसने कभी जीवन में हार्ड डिस्क नहीं पढ़ा होगा तो उसके भी समझ में आ जाए। क्लियर? बच्चे कम है बच्चों, शेयर कम करते हो तुम, डेली पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, वहां पर भी मिल जाएगी। क्लियर? टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन जिन्होंने ले रखी है वहां पर भी मिल जाएगी। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए फ्री है। चलिए कर दे स्टार्ट। देखो बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन ये है हार्ड डिस्क क्या है। तो हार्ड डिस्क ये तो क्लियर आपके सेकेंडरी मेमोरी है। एक तो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमको तीन चार चीज में कंफ्यूजन है, एक तो रजिस्टर क्या होता है, रैम रोम क्या होती है, ये तो आपको पता है। अगर कोई पूछे सीपीयू के अंदर मेमोरी के लिए क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर मेमोरी के लिए रजिस्टर होता है और L1 और L2 कैश भी होती है। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, इसको मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। सीपीयू के अंदर मेमोरी के लिए रजिस्टर होते हैं और केस पूछे तो L1 और L2 होती है। L3 केस जो होती है वो सीपीयू के अंदर नहीं होती, सीपीयू के बाहर होती है। क्लियर? अब बच्चों रैम और रोम जो होती है ये प्रोसेसिंग मेमोरी होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग में यूज आती है, इनके बिना कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। किसके बिना? रैम और रोम के बिना। याद रखिए ये सीपीयू के बाहर होती है, कौन कौन? रैम और रोम। क्लियर? लेकिन याद रखो बच्चों जो सीपीयू के अंदर है वो सीपीयू के अंदर की इंटरनल मेमोरी है, जिसको अपन बोलते हैं रजिस्टर और केस। केस में L3 नहीं है इंटरनल, L3 तो बाहर ही है, सीपीयू के बाहर है। अब बच्चों क्वेश्चन है रैम और रोम क्या है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है, प्रोसेसिंग मेमोरी है, इनके बिना प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, वो है रैम और रोम। क्लियर? क्योंकि रोम नहीं होगा तो बूटिंग नहीं होगी, बूटिंग नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सारे के सारे किसमें पड़े रहते हैं? रोम में। गुरु जी डायरेक्ट कैसे बता दिया, इनके बारे में कभी कोई चर्चा क्यों नहीं की? अरे रोम मैंने कई बार पढ़ा रखा है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज जो कंसेप्ट अपना वो टाइमिंग के ऊपर है, जितने भी टाइमिंग आए ब्रह्मांड में उनकी चर्चा करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, सबसे फास्ट रजिस्टर होता है, फिर केस होती है, फिर रैम होती है, फिर रोम होती है और फिर सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। चलिए उनकी चर्चा खूब कर रखी है, बाद में देखेंगे। अब यहां पर आ जाइए आप बच्चों, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैंने दे दिया, अब यहां पर आ जाइए। अब बच्चों देखिए रैम और रोम प्रोसेसिंग मेमोरी है, रैम फास्ट होती है, रोम थोड़ी स्लो होती है, और जो रोम होती है बच्चों वो नॉन वोलेटाइल है और स्टेटिक होती है। रोम नॉन वोलेटाइल और स्टेटिक है, और जो याद रखिए जो केस मेमोरी है वो भी SRAM से बनी होती है। ये सारी चर्चा मैं कर चुका हूं, यहां पर बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी चीज को क्या बोलो, मेरी एक आदत रही है जो कल बोला वो आने वाले 100 दिन तक मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए उस आदत को खराब मत करो। एक से लगा के 13 वीडियो देख के आइए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए बच्चों कुछ नया चीज सीखते हैं अपन। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप कंप्यूटर में कोई चीज डालते हो तो बच्चों एक तो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और एक ऐसी चीज होती है तो बाहर से अपन लेके आते हैं। बनिया के पास गए और बनिया को बोला कि भाई ये चीज डाल के दे दो। क्लियर? तो उसने अपन को डाल के दे दी, पेन ड्राइव में दे दी, सीडी में दे दी, डीवीडी के अंदर दे दी, बच्चों मेमोरी कार्ड के अंदर दे दी, एसडी कार्ड के अंदर दे दी, या फिर कोई ऐसी हार्ड डिस्क जो रिमूवेबल है उसके अंदर लाके दे दी।
तो इस केस में वो टर्नरी कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्नरी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उससे आपका सीपीयू डेटा नहीं लेगा, सीपीयू डेटा लेता है रैम से, और रैम लेती है जो जुड़ी हुई हार्ड डिस्क है उससे। और बच्चों, जो पेन ड्राइव लगाया, जो एसडी कार्ड लगाया, जो जिप ड्राइव लगाया, जो रिमूवेबल हार्ड डिस्क लगाया, बच्चों जो एसडी कार्ड लगाया, जो बाहर से लाई हुई मेमोरी कार्ड लगाया, ये कहलाती है तृतीयक मेमोरी। तो बच्चों, इनका जो डेटा होता है इंटरनेट क्या कहलाता है? तो इंटरनेट तृतीयक मेमोरी, क्योंकि इंटरनेट का कंटेंट पहले हार्ड डिस्क में जाता है फिर चलता है, तो इंटरनेट एक तृतीयक मेमोरी है। बच्चों क्लियर? दिमाग में यूज कीजिए दिमाग को कि इंटरनेट एक तृतीयक मेमोरी है, पेन ड्राइव तृतीयक मेमोरी है, बच्चों जिप ड्राइव तृतीयक है, बाहर से लाके लगाओगे सब तृतीयक है, फिर उनका डेटा हार्ड डिस्क में जाता है, फिर हार्ड डिस्क से रैम में जाता है, फिर रैम से सीपीयू के पास जाता है, इस तरीके से डेटा का मूवमेंट होता है। क्या ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा? एप्लीकेशन जिसने देख ली, मैं क्या कह रहा हूं, बन गया तुम्हारा दिन, बन गया, ये मान के चलिए तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, लगेगी, जरूर लगेगी। बच्चों जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, लगेगी नौकरी, लगेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं आप समझो भी, जो मैंने वर्ड बोला उसको समझना है। अरे सर सीपीयू, सीपीयू के अंदर तो स्टोरेज के लिए रजिस्टर होते हैं। अरे सर सीपीयू, आजकल के सीपीयू में पहले तो नहीं आते थे, लेकिन आजकल के सीपीयू में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा होते हैं उनको होल्ड करने के लिए क्या होती है? केस। क्योंकि कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, कोई चीज बार बार यूज की गई है, तो बच्चों उनके लिए क्या यूज होती है? केस। क्लियर बच्चों? आजकल तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट के ऊपर भी ऐसे ऐसे सर्वर है जिनको अपन क्या कहते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। जो प्रॉक्सी सर्वर भी केस का काम करते हैं, क्योंकि कल क्या ढूंढा गया था वो प्रॉक्सी सर्वर आपको पहले ही बता देता है कि कल ये ढूंढा गया था, क्या तुम यही ढूंढने आए हो क्या? तो इंटरनेट के ऊपर केसिंग का काम कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर करते हैं। क्लियर? याद रखिए, लेकिन अपने इंटरनेट को छोड़ दो, अपने कंप्यूटर में आ जाइए। अपने कंप्यूटर की बात ही कुछ अलग है। तो अपने कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी होती है, छोटी वाली L1, बड़ी वाली L2, और बच्चों और ज्यादा कैश मेमोरी चाहिए तो वह L3, और L3 को जितने भी सीपीयू है वो सब क्या कर सकते हैं? प्रोसेसर जितने भी है वो सब शेयर कर सकते हैं, लेकिन L1 L2 सभी प्रोसेसर की अलग अलग होती है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। SRAM और DRAM में रिप्लेस किसको करने की जरूरत है? ये मैंने पढ़ा दिया नरेंद्र जी, DRAM को रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर की एक आदत है, अगर उसको चार्ज किया तो समय के साथ साथ वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। और समय के साथ डिस्चार्ज, मैंने डाला 1 का मतलब 5 वोल्ट, और अगर 5 वोल्ट डाला तो समय के साथ वो 5 वोल्ट 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों 0 वोल्ट में आने से पहले पहले उसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए DRAM की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि डाले हुए डेटा को भी बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। SRAM बच्चों ट्रांजिस्टर मेमोरी होती है, उसमें रिप्लेस की कोई जरूरत नहीं है। पुराने वीडियो देखोगे 1 से 13 तक तो सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुमने 13 वीडियो नहीं देखे हैं। क्लियर है बच्चों? तुमने 13 वीडियो नहीं देखे हैं अब से पहले के, इसलिए आप ये पूछ रहे हो। बाकी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं पीछे वाली चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर? कोई भी टॉपिक रोज कंप्लीट नहीं करवा रहा बच्चों, हर टॉपिक को मैंने चला रखा है और उनको पीछे वालों के सपोर्ट लेते लेते आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए पुराना पढ़ते हुए आइए ताकि आपके 100% समझ में आए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, कौन सी रैम कॉस्टली है? तो बच्चों SRAM कॉस्टली है, DRAM सस्ती है। SRAM इसलिए कॉस्टली है क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर चाहिए, और DRAM शायद ये इसलिए पूछ रहे क्योंकि इन बच्चों ने मेरा कोर्स पढ़ा ही नहीं है। बाकी ये पूछते ही नहीं, सबको पता होना चाहिए। देखिए आंसर आने लग गए यहीं पर। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों चलिए, आज कोई इकट्ठा हुए हैं, कैसा DRAM SRAM में टाइम गुजारोगे? नहीं बच्चों, नहीं गुजारना, ऐसी गलती करनी भी नहीं। क्लियर? तो टर्नरी मेमोरी क्या होती है ये समझ में आ जाना चाहिए। जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी है वो द्वितीयक है बच्चों, जो रैम को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करती है वो द्वितीयक है, लेकिन जो बाहर से आई है जिनमें पहले द्वितीयक में कॉपी होती है, द्वितीयक की प्राथमिक में होती है, प्राथमिक वाला सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू प्रोसेसिंग कराता है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रैम की साइज किस साइज में उपलब्ध है? अरे मेरे भाई, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, 13 बाइट तक की रैम आपको मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, पेटाबाइट में तो फिर बच्चों बिग डेटा आ जाता है, तो पेटाबाइट बोल के अपनी दुर्दशा मत कर लेना, 13 बाइट तक की रैम आपको मिल जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए अब बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के कंसेप्ट को पूरा समझना बच्चों। हार्ड डिस्क के साथ साथ मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, हार्ड डिस्क के साथ साथ मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, और वो क्या चीज है?
तो सुनना, वो है ऑप्टिकल डिस्क। बच्चों हार्ड डिस्क जो भी है हार्ड डिस्क, चलो मैं इसको पूरा ही समझा देता हूँ, 10 मिनट लगेगी और आपको लगेगा भी कि सर हाँ पूरा समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं बच्चों मेमोरी, तो मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी नहीं बोल के इसको तृतीयक ही बोल देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तृतीयक मेमोरी। अब तृतीयक मेमोरी में रिमूवेबल हार्ड डिस्क तो आती ही है, क्लियर, हार्ड डिस्क भी ले सकते, हार्ड डिस्क जो रैम से जुड़ी है वो तृतीयक में नहीं आएगी। क्लियर है बच्चों। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। मेमोरी होती है बच्चों एसेज करने के हिसाब से दो तरीके के, एक तो बच्चों सिक्वेंशियल, कौन सी होती है सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल मेमोरी, सिक्वेंशियल मेमोरी, और एक कौन सी मेमोरी होती है बच्चों रैंडम मेमोरी। याद रखना आपके कोर्स में डायरेक्टली लिख रखा है मेमोरी, तो मेमोरी पूरा आना चाहिए। सिक्वेंशियल जिसको एसेज किया जा सकता है बच्चों एसेज करने के हिसाब से, और बच्चों रैंडम एक्सेज करने के हिसाब से बच्चों। क्लियर, या रैम का कोई लेना देना नहीं है, कहीं ये मत कर देना रैंडम एक्सेज मेमोरी तो रैम होती है, वो तो प्राइमरी होती है, तुम स्टोरेज की क्यों बात करते हो, ये सब क्या कहलाता है बच्चों, स्टोरेज कहलाता है। क्लियर, चलिए तृतीयक हमेशा स्टोरेज ही होता है, तृतीयक हमेशा स्टोरेज ही होता है, सेकेंडरी को अपन मेमोरी भी कह सकते हैं और स्टोरेज भी कह सकते हैं बच्चों। क्लियर, लेकिन तृतीयक कभी मेमोरी नहीं होती है, तृतीयक हमेशा क्या होता है स्टोरेज। क्लियर, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब बच्चों सिक्वेंशियल एक्सेज में सबसे सस्ता वाला कौन सा आता है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पहचानो, गांव में जो पतंग उड़ाई जाती थी वो टेप से उड़ाई जाते थे बच्चों, रील जो कैसेट वो क्या होता है टेप, और टेप के ऊपर बच्चों एफईओ का लेप होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है फेरस ऑक्साइड। बच्चों फेरस ऑक्साइड क्या है, एकमात्र पूरी प्रकृति का पदार्थ है जिसको अपन चुंबक कहते हैं, और इसमें डेटा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। टेप बनाना है तो टेप बच्चों ये लीजिए, मैंने टेप बना दिया। अब बच्चों मेरे को ये गाना सिलेक्ट करना है, यहाँ एक रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड होता है बच्चों, रीड राइट हेड फिक्स होता है और रील को नीचे चलना पड़ता है, इसको रील भी कहते हैं, इसको कैसेट भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं। क्लियर, और बच्चों इसके काफी स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि आपने कैसेट देखी होगी तो जो उसका होल होता है वो फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि जब अपन टेप रिकॉर्डर खरीदते हैं तो एक फिक्स साइज का टेप रिकॉर्डर खरीदा जाता है, तो 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1.25 इंच, तो ऐसे बहुत सारे टेप रिकॉर्डर मार्केट में आते हैं, खैर इनमें से कोई पूछेगा नहीं। बच्चों याद रखिए जो टेप होता है उसके ऊपर लेप किसका होता है, एफईओ, ये बहुत स्लो है क्योंकि इस गाने पे जाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें को निकालना पड़ेगा, ये रैंडम नहीं है, ये सिक्वेंशियल है, इसलिए वेरी स्लो मेमोरी कहलाती है, वेरी वेरी स्लो मेमोरी कौन सी कहलाती है बच्चों, टेप कहलाती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि रीड राइट हेड फिक्स है बच्चों, आपने कैसेट देखी होगी, इमेज बन गई होगी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझना है, इसको क्या कहते हैं कैसेट। अब बच्चों यहां पर आइए रैंडम एक्सेज मेमोरी, रैंडम एक्सेज में बहुत सारे बनावट के हिसाब से बहुत सारी आई बच्चों, यहाँ जो ट्रैक होते हैं वो आयताकार ट्रैक होते हैं, या आयताकार ट्रैक है, जो ट्रैक होता है वो सेक्टर में बढ़ता है, ट्रैक बच्चों ये सेक्टर से मिलकर बनता है ट्रैक बच्चों। क्लियर, तो यहाँ जो ट्रैक होते हैं बच्चों ये आयताकार ट्रैक होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक छोटे छोटे सेक्टर में बटा होता है बच्चों। क्लियर, चलिए कोई ये पूछे यहाँ सेक्टर की साइज बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 80 बाइट होती है, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ सेक्टर की साइज कितनी होती है बच्चों, 80 बाइट होती है, याद रखिए। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए, प्लेलिस्ट बनवाने की जरूरत नहीं, लाइव में चले जाइए यूट्यूब पे, लाइव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ लिख रखा है। क्लियर, क्लियर है बच्चों, चलिए। अरे मेरी तारीफें बहुत करते हो तुम लोग विश्वनाथ राजावत, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रैंडम एक्सेज मेमोरी में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिस्क। अब बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है डिस्क कितने तरीके की होती है, अब डिस्क वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रोटेशन होगा, रोटेट होगी तो बच्चों डिस्क दो तरीके की होती है, एक वो डिस्क होती है जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक डिस्क है, और एक वो डिस्क होती है जो ऑप्टिकल डिस्क है। मैं स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं ले रहा, बस आईए के काम के हिसाब से मैं आपको ले रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहां से पहला क्वेश्चन यही बनता है, सबसे स्लो मेमोरी टेप है, कैसी है ये, तृतीयक मेमोरी है बच्चों, सेकेंडरी मतलब ये बोल के चल सकते हो ये स्टोरेज है, स्टोरेज वर्ड आते ही आपके दिमाग में तृतीयक आ जाना चाहिए, तो बच्चों मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज है जो स्लो स्टोरेज है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क में सबसे छोटी होती है फ्लॉपी, और फ्लॉपी से सबसे छोटी होती है फ्लॉपी से बड़ी क्या होती है जिप डिस्क, जिप से बड़ी क्या होती है बच्चों हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से बड़ी क्या होती है वेंचेस्टर डिस्क, ये सारी की सारी बच्चों आपकी मैग्नेटिक डिस्क है। अब बच्चों फ्लॉपी में आप सबको पता होनी चाहिए एक ही डिस्क होती है,
फ्लॉपी में एक ही डिस्क होती है, जिप में, हार्ड में और वेंचेस्टर में डिस्क की संख्या बहुत ज्यादा होती है। देखो बच्चों ये डिस्क की संख्या बहुत ज्यादा होगी, याद रखिए। और बच्चों ये डिस्क जो होते हैं इसका सरफेस कुछ ऐसा होता है, ये लीजिए ये डिस्क है और इस डिस्क का जो सरफेस है वो ऐसा होता है, समकेंद्रीय वृत्त होते हैं। और बच्चों यहाँ पर हर एक सेक्टर की साइज फिक्स होती है, और हर सेक्टर की साइज कितनी होती है तो नहीं दे तो 512 बाइट, बाकी तो कंपनियों के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन 512 बाइट बच्चों क्लियर। इस तरीके की जो बनती है उनको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक डिस्क। जो फ्लॉपी है बच्चों, एक नीचे का पार्ट होता है उसमें एक ऊपर का पार्ट होता है। बच्चों ये फ्लॉपी है, फ्लॉपी का सरफेस है, और एक फ्लॉपी ये एक प्लेटर कहलाता है पूरा का पूरा। ये क्या कहलाता है बच्चों? प्लेटर। ये पूरा का पूरा प्लेटर है, और प्लेटर के ऊपर बच्चों दो सरफेस है, दो क्या है सरफेस, और दोनों सरफेस पे रिकॉर्डिंग होती है बच्चों क्लियर। याद रखना बच्चों, तो एक डिस्क है उसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, और बच्चों ग्रुप ऑफ डिस्क है तो उनको जिप, हार्ड और वेंचेस्टर कह देते हैं। जिप डिस्क में बच्चों इसमें ड्राइव की जरूरत है, इसमें भी ड्राइव की जरूरत है, इसलिए इनके स्टैंडर्ड आते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क का कोई स्टैंडर्ड नहीं आता, क्योंकि इसमें जो ड्राइव होता है वो इनबिल्ड होता है बच्चों, ड्राइव के अंदर ही हार्ड डिस्क होती है, और वेंचेस्टर के लिए भी कोई ड्राइव की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें ड्राइव की जरूरत नहीं है, इनमें ड्राइव की जरूरत नहीं है। बच्चों याद रखना, ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ होता है इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रैक। और सर्कुलर पाथ जिसमें बटा होता है इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। और बच्चों याद रखिए, ट्रैक और ये सेक्टर, और सेक्टर की साइज फिक्स है 512 बाइट। बच्चों यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों हार्ड डिस्क, वेंचेस्टर, इनमें सब में सिलेंडर होता है। छोटा सिलेंडर है तो जिप डिस्क, बड़ा सिलेंडर है तो हार्ड डिस्क, और बड़ा सिलेंडर है तो वेंचेस्टर डिस्क। बच्चों क्लियर। इन सब की स्पीड सेम होती है, साइज अलग अलग होती है, इनसे फास्ट है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। दुनिया की बड़ी बड़ी मेमोरी इसी से बनाई जाती है। किससे? मैग्नेटिक से, मैग्नेटिक से। कोई ये पूछे सर्वर पे बड़ी बड़ी मेमोरी बनती है वो किससे बनती है? मैग्नेटिक से। ऑप्टिकल की कैपेसिटी नहीं है, सेमीकंडक्टर में बर्बाद हो जाएंगे, बहुत कॉस्टली बनती है, ऑप्टिकल बहुत स्लो है, आगे जाके आपको बताएंगे। इसलिए बड़ी बड़ी स्टोरेज हमेशा मैग्नेट के बनते हैं। क्लियर, क्लियर है बच्चों? याद रखिए, बड़े बड़े स्टोरेज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्टोरेज बने हैं वो सब किसके बने हैं? मैग्नेट के। अब बच्चों यहां पर आइए, यहां पर क्या होता है? ये स्पीड फास्ट क्यों हुई, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिए, यहाँ रीड राइट हेड होता है। क्या होता है? रीड राइट हेड। याद रखो बच्चों, सिलेंडर के केस में सबसे ऊपर और सबसे नीचे के ऊपर रीड राइट हेड नहीं होते, बाकी सब जगह रीड राइट हेड होते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिपीटेशन हो रहा होगा, आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल करवाते जाएंगे। क्लियर। चलिए अब बच्चों होता क्या है, होता क्या है बच्चों? ये मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, और डेटा को होल्ड करते हैं। डेटा ऐसे नहीं कि एक ही डिस्क के ऊपर पहले भरेगा फिर नहीं भरेगा, नहीं, डेटा सभी डिस्क के ऊपर जाते हैं। बच्चों क्लियर, डेटा सभी डिस्क के ऊपर जाते हैं, कोई डिस्क खाली कोई भरी ऐसी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा डेटा सभी डिस्क के ऊपर जाते हैं, उनको क्लस्टर कहते हैं। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर क्लस्टर क्या होता है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों एक बार बताइए, तो ये फास्ट फास्ट क्यों? क्योंकि ये घूमेगा और पहुंच जाएगा। इस गाने पे जाना है बच्चों, ये घूमा और पहुंच गया। यहाँ पर तो बच्चों पहले चार गाने निकालने पड़ते थे, इसलिए स्लो है, और ये बहुत फास्ट है, डिस्क बहुत फास्ट है। अब बच्चों एक बच्चा कह रहा है कि सर ठीक है हमारे समझ में आ गया, ये तो हो गया डिस्क, इसमें होता है दो सरफेस, सरफेस बटा होता है ट्रैक, और ट्रैक बटा होता है सेक्टर। बच्चों क्लियर, ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक सेक्टर होता है 512 बाइट का, जब तक वो नहीं दे क्वेश्चन में तब तक बाय डिफॉल्ट बहुत चलता है। यहाँ पर प्रत्येक सेक्टर बच्चों कितना होता है? 80 बाइट, सेक्टर से बड़ा ट्रैक होता है। क्लियर। चलिए अब बच्चों एक बच्चा बार बार कह रहा है सर क्लस्टर बताओ, क्लस्टर क्या होता है? कंफ्यूजन है। तो बच्चों एक बार बताइए, ये क्लस्टर मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों ये लीजिए, ये क्या है? तो अगर मैग्नेट से बनी है तो ये जिप डिस्क होगी, या फिर हार्ड डिस्क होगी, या वेंचेस्टर होगी, इसको मैग्नेटिक सिलेंडर कहते हैं। अब मैग्नेटिक सिलेंडर है तो बच्चों याद रखिए, प्लेटर कितने हैं? 4, सरफेस कितने हैं? 8, दो सरफेस के ऊपर रेड राइट हेड नहीं होते। तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे यहाँ पर? तो रिकॉर्डिंग सरफेस होंगे आपके 6। बच्चों क्लियर, सबसे ऊपर का सबसे नीचे का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि याद रखिए ये किसके अंदर आता है? ड्राइव के अंदर। तो बच्चों रेड राइट हेड कहां लगा हो गया? बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लो मेरे को कोई डेटा भरना है, अब बच्चों डेटा भरना है तो ये पहला क्या है सेक्टर, ये यहाँ का पहला सेक्टर, यहाँ का पहला सेक्टर, यहाँ का पहला सेक्टर। क्लियर। अब बच्चों जो डेटा भरा जाएगा 512 बाइट इसमें भरा जाएगा, अगला 512 बाइट इसमें भरा जाएगा, 512 बाइट इसमें,
512 बाइट इसमें। बच्चों क्लियर, ऐसे ओवरहेड भी होते हैं लेकिन अभी अपन उनको नेग्लिजिबल कर देते हैं। हर सेक्टर में 512 बाइट एक में ही नहीं आकर इस तरीके से आते हैं। और बच्चों ये रीड राइट हेड इसको रीड इसको रीड इसको रीड इसको रीड एक साथ करता है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इनका जो कलेक्शन होता है उसको क्लस्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर। डेफिनेशन बताओ सर। तो प्रत्येक ट्रैक का पर्टिकुलर सेक्टर मिलकर क्या बनाता है? क्लस्टर। प्रत्येक ट्रैक का पर्टिकुलर सेक्टर मिलकर क्या बनाता है? क्लस्टर। सभी ट्रैक का लो, पर्टिकुलर सेक्टर लो, पर्टिकुलर सेक्टर मिलकर क्या बनाता है? क्लस्टर। रिकॉर्डिंग क्लस्टरिंग के हिसाब से होती है। जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसके हिसाब से होती है? क्लस्टरिंग के हिसाब से होती है। डेटा को ऐसे किसके हिसाब से करते हैं? क्लस्टरिंग के हिसाब से होती है। एफपीओ का लेप होता है बच्चों, रेंडमली डेटा को एसेज किया जाता है, बड़ी बड़ी मेमोरी बनती है। बच्चों याद रखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मेमोरी बनी वो किससे बनी है? मैग्नेट। ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट। कई बार पूछ लेते हैं वेंचेस्टर क्या है? मैग्नेट, मैग्नेटिक डिस्क है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक, जिप डिस्क मैग्नेटिक, फ्लॉपी मैग्नेटिक। दुनिया की सबसे छोटी बच्चों मैग्नेटिक डिस्क है, इसको कहते हैं फ्लॉपी को कहते हैं। और बच्चों ये इसको डिस्क नहीं बोल के इनको सिलेंडर कहते हैं। मैग्नेटिक सिलेंडर में जिप भी आता है, हार्ड भी आता है। अब जिप को यूज कम करते हैं इसलिए याद रखो मैग्नेटिक सिलेंडर हार्ड डिस्क को कहते हैं। बड़ा मैग्नेटिक सिलेंडर बोले तो वेंचेस्टर को कहते हैं, और मैग्नेटिक डिस्क बोले तो फ्लॉपी को कहते हैं, और मैग्नेटिक टेप बोले तो कैसेट को कहते हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? ट्रिक सेक्टर क्लस्टर। क्या है ये ट्रिक सेक्टर क्लस्टर? क्लस्टर छोटा नहीं है बच्चों, याद रखिए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्लस्टर ग्रुप ऑफ सेक्टर्स होता है। पर्टिकुलर ट्रैक ले लो, ट्रैक ट्रैक नंबर वन, ट्रैक नंबर टू, ट्रैक नंबर थ्री, ट्रैक नंबर फोर। सुनो, प्रत्येक सरफेस ले लो, पर्टिकुलर ट्रैक ले लो, सभी का ट्रैक नंबर जीरो ले लिया और उनका पर्टिकुलर सेक्टर ले लो। बच्चों क्लियर? तो ट्रैक नंबर जीरो, इसका भी ट्रैक नंबर जीरो ले लिया बच्चों, ये लो। इसका भी ट्रैक नंबर जीरो ले लिया, ये लो। इसका भी ट्रैक नंबर जीरो ले लिया, ये लो। और इसका पर्टिकुलर सेक्टर भी ले लो। तो बच्चों उनको मिलाने पर क्या बनता है? क्लस्टर। क्या ये क्लियर है? क्लस्टर मतलब गुच्छा, गुच्छा पूरा डेटा गया, डेटा गया बच्चों। 512 चार डिस्क है तो 512 हो जाएगा। क्लियर है? कोई न्यूमेरिकल कराओ, सारे न्यूमेरिकल ही लेता हूं बच्चों में। पहले एक बार समझ तो लो, दुनिया के सारे न्यूमेरिकल आज करा देंगे हार्ड डिस्क से रिलेटेड। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट की क्लियर। अब आ जाइए ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, पिटोलैंड। पिटोलैंड किसको कहते हैं? याद रखिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑप्टिकल मेमोरी में बच्चों ग्रुप ऑफ डिस्क नहीं हो सकती, ऐसा सिलेंडर नहीं बनते, केवल डिस्क होती है। इसलिए ऑप्टिकल मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल बच्चों डिस्क में ऑप्टिकल डिस्क डिस्क चल रही थी, डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क हो गई, मैग्नेटिक का सारा सिस्टम खत्म हो गया। मैग्नेटिक के बाद अब आ जाइए कौन सी? ऑप्टिकल। तो अपन बात कर लेते हैं किसकी? ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में बच्चों आपकी सीडी आती है, आपकी सीडीआर आती है बच्चों, आपकी सीडीआरडब्ल्यू आती है। तो मैंने इनका वर्गीकरण पढ़ा रखा है। इसको सीडी रोम कहते हैं, इसको रिकॉर्डेबल कहते हैं, इसको रीराइट कहते हैं। ये सबकी सब क्या है? एक डिस्क है बच्चों, एक डिस्क है केवल, एक डिस्क है केवल, एक डिस्क है केवल। और बच्चों जलेबी देखा होगा, इसकी बनावट जलेबी जैसी है बच्चों। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों जो ऑप्टिकल डिस्क है इसके अंदर यूजर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये खाली आती है, यूजर एक बार प्रोग्रामिंग कर सकता है। ये रीराइटेबल है, इसकी फुल फॉर्म रीराइटेबल, रीराइटेबल है, रीराइटेबल है। इसकी फुल फॉर्म रीरिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल है बच्चों। क्लियर? ये किसका एग्जांपल है? ये पी रोम का एग्जांपल है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका एग्जांपल है? ये रोम का है, क्योंकि इसके अंदर डाला जा ही नहीं सकता डेटा, भरी हुई आती है, मूवी की सीडी भरी हुई आती है। ये खाली आती है, एक बार आप डेटा डाल सकते हो। ये रीराइटेबल है, इसके अंदर बार बार डेटा डाला जा सकता है बच्चों। ये किसका एग्जांपल है? ये यूवी ईपी रोम का एग्जांपल है। अल्ट्रा वॉयलेट से इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है। तो याद रखिए, मैंने खूब पढ़ा रखे हैं। डीवीडी इसका एग्जांपल है बच्चों। डीवीडी में कौन सा? डीवीडी, डीवीडी रोम, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बच्चों। डीवीडी, डीवीडी रोम हो जाएगा, डीवीडी आर हो जाएगा बच्चों, डीवीडी डीवीडी आर डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ब्लू रे डिस्क हो जाएगा, तो बी आर डी रोम हो जाएगा, पी आर डी आर हो जाएगा। तो ये याद रखिए बच्चों, और अगर नहीं तैयारी है तो बच्चों फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। बी आर डी और क्या हो जाएगा बच्चों? आर डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं, ये तो इनके एग्जाम्पल है, खूब पढ़ा भी रखा है। ऑप्टिकल डिस्क नाम आ जाने चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके अलावा होलोग्राफिक, होलोग्राफिक
वीडियो डिस्क, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क होती है बच्चों, क्लियर? ये सब ऑप्टिकल है क्योंकि ऑप्टिकल सिद्धांत पे काम करती है, क्लियर? चलिए, सम ऑफ इच ट्रैक डेट होल्ड डेटा इज क्लस्टर, वेरी गुड। सम ऑफ इच ट्रैक नहीं है, सम ऑफ इच सेक्टर ऑन पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ऑल द सरफेस, ऐसे बोलना पड़ेगा। मतलब पहले तो सारे सरफेस ले लो, फिर प्रत्येक सरफेस का पर्टिकुलर ट्रैक ले लो, यानी नंबर वन ट्रैक लिया तो सबका नंबर वन ले लो, फिर पर्टिकुलर सेक्टर भी ले लो आप, फिर बच्चों उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लियर, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से करुणा आप गलती नहीं करोगे आप क्लस्टर में। चलिए, और इस बात पे शेयर करते रहिएगा। तो बच्चों ऑप्टिकल डिस्क आपके समझ में आ गया। अब ऑप्टिकल डिस्क बच्चों स्लो क्यों होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्टिकल डिस्क स्लो क्यों होती है? ऑप्टिकल डिस्क सस्ती भी होती है लेकिन स्लो होती है। ऑप्टिकल डिस्क से बड़ी मेमोरी नहीं बनाई जा सकती। मैग्नेटिक फास्ट होती है, मैग्नेटिक से बड़ी बड़ी मेमोरी बनाई जा सकती है। मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पर काम करती है। मैग्नेटिक मेमोरी बनाने के लिए एफईओ का लेप होता है। मैग्नेटिक मेमोरी में बहुत सारी डिस्क हो सकती है, मैग्नेटिक मेमोरी में सिलेंडर बन सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल मेमोरी में तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं। ऑप्टिकल मेमोरी में तो केवल एक डिस्क होती है और वो भी बच्चों जलेबी जैसी होती है, समझ में आ गया होगा। तो कॉमन सी बात है बच्चों, अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्टिकल मेमोरी, इसकी वर्किंग को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिए। तो बच्चों जब अपन लेके आते हैं ऑप्टिकल मेमोरी तो उसका सरफेस कुछ ऐसा होता है, क्लियर है बच्चों? उसका सरफेस कुछ ऐसा होता है। जब मैं इसके ऊपर रिकॉर्डिंग करता हूं उसको बर्न कहते हैं, बर्न कहते हैं, क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, क्लियर है? और बच्चों जब मैं इस पे से डेटा उठाता हूं, रिमूव करता हूं बच्चों, रिमूव किसमें कर सकते हैं अपन, जिसको फॉर्मेट किया जा सकता है, किसको फॉर्मेट किया जा सकता है, यूवी ईपीरोम को फॉर्मेट किया जा सकता है, यूवी ईपीरोम इसको फॉर्मेट किया जा सकता है, यूवी ईपीरोम इसको फॉर्मेट किया जा सकता है। अब फॉर्मेट किया जा सकता है तो बच्चों क्या होगा? तो बच्चों जब डेटा को डिलीट करते हैं तो उसको रिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपिंग। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है रिपिंग वर्ड क्या है, बर्निंग वर्ड क्या है। बर्निंग का मतलब डेटा डालना, रिपिंग का मतलब ऑप्टिकल मेमोरी से डेटा उठाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रिपिंग यानी रिमूव, वेरी गुड। रिपिंग अपन बोलते हैं ना, रेस्ट इन पीस रिप, और बंदा चला गया अच्छा था रिप, क्लियर बच्चों? रिपिंग यानी डेटा को हटा दो, बर्निंग डेटा को डाल दो, क्लियर बच्चों? अब बच्चों जब डेटा डाला जाता है जो समतल सरफेस होता है, तो ऑप्टिकल मेमोरी का जो समतल सरफेस है उसके ऊपर जब डेटा डाला जाता है तो पिटोलैंड बनते हैं बच्चों। जहां पर अपन को डेटा होल्ड करना है, जहां पर अपन को डेटा होल्ड करना है, मान लीजिए ये पिटोलैंड बन गए आपके, चलिए मैं इस तरीके से बना देता हूं, समझने की कोशिश करना। अब ऑप्टिकल मेमोरी में बच्चों सबको पता है यहाँ पर लेंस होते हैं, यहाँ पर भी लेंस होता है, यहाँ पर ये लेंस होता है, क्लियर है? यहाँ पर आपके मिरर होते हैं, मिरर नंबर वन होता है, मिरर नंबर टू होता है, यहाँ से बच्चों लेंस होता है, ठीक है बच्चों? ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो पार्ट है ऊपर ऊपर के, इनको अपन क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। लैंड का मतलब जमीन, लैंड का मतलब वन, इसको पिट कहते हैं। पिट का मतलब खड्डा होता है, गर्त होता है, पिट का मतलब जीरो होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या रिकॉर्ड है, या वन 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 यहाँ पर जीरो रिकॉर्ड है, या वन 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 यहाँ पर जीरो 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 रिकॉर्ड है, या वन जीरो वन जीरो बच्चों वन जीरो वन जीरो रिकॉर्ड है, क्लियर? इस तरीके से पिटो लैंड बन जाते हैं और वर्ड बन जाते हैं, और बच्चों पिट का मतलब जीरो, लैंड का मतलब वन। याद रखना, पिछली बार आईए में क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिकल मेमोरी का में क्या बनते हैं, चुंबकीय फ्लक्स पे काम करती है या फिर बच्चों पिटो लैंड बनते हैं, तो याद रखिए पिटो लैंड बनते हैं, क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस लेंस से रेज निकलती है, क्योंकि रेज ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल किरणें निकलती है जिनको अपन रेज कहते हैं बच्चों। ये रेज मान लो इस समतल पे पड़ी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचती है और एक फिक्स टाइम में यहाँ पर पहुंच जाती है। अगर फिक्स टाइम में पहुंच गई, इसका मतलब रीड क्या होता है, वन होता है, कि ठीक है यार पहुंच गई। लेकिन बच्चों अगर यही रेज यहाँ से पड़ के अंदर घुस जाती तो बच्चों ये यहीं पर खत्म हो जाती, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता तो बच्चों वहां पर नहीं पहुंचती, रेड क्या हो जाता, जीरो, क्लियर? तो ये याद रखिए रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, कौन, सीडी और डीवीडी, क्लियर है बच्चों? रिफ्लेक्शन परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। टकराई, पहुंची तो रीड होगा वन, नहीं टकराई बच्चों तो इसका मतलब वो छेद में चले गई। अब छेद में चले गई तो बच्चों वहीं पर वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी किरण खत्म, तो एक फिक्स टाइम के बाद उसको रीड कर लिया जाता है, जीरो।
अब बच्चों रीड जीरो और वन हो रहा है तो ये तो क्लियर है कि टाइम के लिए वेट किया जा रहा है। जब आप वेट करते हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसलिए ऑप्टिकल मेमोरी की स्पीड कम होती है, याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी की स्पीड बहुत कम होती है, क्यों होती है, उसके पीछे क्या तर्क दोगे? उसके पीछे ये तर्क है कि बच्चों जो सेंसर होता है वो सेंस करता है किसको, किरणों को, और एक फिक्स टाइम उनको देता है। अगर वो फिक्स टाइम पे पहुंच गए तो रीड वन होता है, नहीं तो क्या हो जाता है, जीरो। और वन और जीरो बच्चों कहां पर पहुंचते हैं, तो बच्चों सीपीयू के पास, कंट्रोलर के पास पहुंचते हैं। कंट्रोलर वर्ड बनाता है और सीपीयू को भेज देता है कि देखिए इस सीडी के ऊपर तो ये रिकॉर्ड है। क्लियर? तो समझ जाइए, स्लो मेमोरी होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा सस्ती आती है ऑप्टिकल मेमोरी। लेकिन याद रखिए पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप लेके जाइए सीडी को, आरडब्ल्यू को लेके जाइए, थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। धूप में अल्ट्रा वायलेट आती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या हो जाती है, तो बच्चों अल्ट्रा वायलेट किरणों से फॉर्मेट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, आर्द्रता में नहीं रख सकते, स्क्रेच नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा के प्रकाश की किरणों के सिद्धांत के ऊपर काम करती है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। पोर्टेबिलिटी कम है, बहुत सस्ती है, बहुत स्लो है, आजकल यूज नहीं आती। कौन सी मेमोरी? ऑप्टिकल। क्लियर? क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो, क्या ऑप्टिकल मेमोरी समझ में आ गई, क्या पेटोलैंड समझ में आ गए, क्या ऑप्टिकल मेमोरी में कभी डिस्क बन सकती है, सॉरी ऑप्टिकल मेमोरी में कभी सिलेंडर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो क्या बड़ी बड़ी मेमोरी बन सकती है, नहीं बन सकती। बड़ी बड़ी मेमोरी किसमें बनती है? मैग्नेटिक, क्योंकि बड़े बड़े सिलेंडर बन सकते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर बन सकते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, कमेंट करते रहो। किरण कुमारी कह रही है सर नो, नो का मतलब क्या है, क्लियर सर या नो सर? हाँ जी, अब देखो बच्चों जिसका लेवल ही नहीं है और वो फालतू में कंपटीशन एग्जाम के पीछे पीछे भग रहा है, फड़ा किसी जयपुर वाले जोधपुर वाले से, तो नौकरी कैसे लगेगी आप बताइए। क्लियर है बच्चों? पढ़ने के लिए आपका पूरा कंसेप्ट चाहिए, पूरा चाहिए कि यार ठीक है यार, मेरे एक एक क्वेश्चन तूफान मचा रखा है, क्वेश्चन उठ उठ के आ रहे हैं मेरे बच्चों के। आप बताइए, जहां अंबिका क्लासेस के कोई बच्चे हैं तो बताइए, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, वो पहले ही पता चल रहा है नहीं चल रहा? तूफान उठ जाता होगा, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि पढ़ चुके हो आप। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या यहां पर अंबिका क्लासेस के कुछ बच्चे हैं? यस सर, पता लग जाता है बिल्कुल। तो तूफान उठने लग जाता है बच्चों, एक दो रिवीजन के बाद तो रुक ही नहीं पाता है बंदा, वो फटाफट फुल तूफान उठ रहा है सर, बिल्कुल। क्लियर है बच्चों? तो आपके दिमाग में आने चाहिए हाँ ये है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पेटोलैंड हो गया, अब बच्चों नेक्स्ट चलिए, अगर अपन स्टोरेज की बात करें तो अगले स्टोरेज कौन से होते हैं? तो बच्चों ये जो डिस्क वाले स्टोरेज है, इनका बदलने का जमाना आ चुका। अब जो आ गई वो क्या आ गई? फ्लैश मेमोरी आ गई। फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन कौन आ गए? तो फ्लैश मेमोरी के अंदर बच्चों मेमोरी कार्ड आ गए बच्चों, एसडी कार्ड आ गए बच्चों, एसएसडी आ गई, एसएसडी बच्चों सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिक्योर डिजिटल बच्चों मेमोरी कार्ड आ गए। क्लियर है? इसके अलावा पेन ड्राइव आ गए। तो कॉमन सी बात है बच्चों, याद रखिए पेन ड्राइव आ गए, मेमोरी कार्ड की जगह एसडी कार्ड यूज करते हैं बच्चों, और एसडी कार्ड अपन ज्यादा यूज करते हैं मेमोरी कार्ड की जगह। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बाइट पे काम करता है, मेमोरी कार्ड बाइट पे काम करता है, और जो एसडी कार्ड है ना बच्चों वो ब्लॉक पे काम करता है, मतलब स्पीड फास्ट है। बच्चों याद रखिए जो पेन ड्राइव है उससे ज्यादा स्पीड किसकी है? एसएसडी की है। पेन ड्राइव किस पे काम करती है? तो बाइट पे काम करती है, और ये किस पे काम करते हैं? ब्लॉक के ब्लॉक उठाते हैं। तो इन दोनों की स्पीड बहुत फास्ट है, नई टेक्नोलॉजी है बच्चों, याद रखिए स्पीड फास्ट है। लेकिन बच्चों इनकी भी एक क्षमता होती है, मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी की तरह बहुत बड़े नहीं बन सकते। इस दुनिया में सबसे बड़ी मेमोरी बनती है मैग्नेटिक बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म आई थी कंप्यूटर टीचर में, क्या होता है बच्चों? सिक्योर डिजिटल होता है। चलिए एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लीजिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पिटोलैंड कौन सी मेमोरी में बनते हैं? ऑप्टिकल। फ्लैश मेमोरी, क्लियर? फ्लैश मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट के सिद्धांत के ऊपर काम करती है, करंट के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों इनमें स्पीड पूछे तो एसडी और एसएसडी की ज्यादा होती है। आजकल बच्चों याद रखना, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस कर रहा है कौन? एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि स्पीड फास्ट चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव किसकी बनती है? मैग्नेट की बनती है बच्चों। ये किसकी बनती है? फ्लैश की बनती है बच्चों। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव में काम होता है बाइट में,
इसमें काम किसमें होता है? ब्लॉक में। बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं तो स्पीड कम होती है, और इसमें ये इलेक्ट्रिकल के सिद्धांत पे काम करती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत पे काम करती है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होते इसलिए इनकी स्पीड फास्ट होती है। लेकिन बच्चों याद रखना एसएसडी महंगी होती है। एसएसडी क्या होती है? महंगी होती है। और एचडीडी हार्ड डिस्क क्या होती है? स्लो सस्ती होती है। बच्चों क्लियर? चीप होती है, सस्ती होती है। क्लियर? चीप होती है यानी सस्ती होती है, इसलिए हार्ड डिस्क को आज भी अपन स्टोरेज की तरह यूज करते हैं और एसएसडी को अपन बफर की तरह यूज करते हैं, बफर की तरह यूज कर लेते हैं। बच्चों क्लियर? हो सकता है 1 TB ये लगा दो, 256 MB या GB ये लगा दो, जैसा भी है GB लगा देते हैं अपन, 256 GB ये लगा देते हैं, 256 GB आपने ये लगा दिया, और बच्चों 256 GB आपने ये लगा दिया और 1 TB आपने ये लगा दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो समझ जाइए आप, और बाकी मैंने खूब भयंकर तरीके से आपको पढ़ा रखा है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? BRD क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होती है। ब्लू रे डिस्क बच्चों याद रखना, जो CD और DVD है, CD और DVD जो मैंने बताया था, इसमें जो डेटा होल्ड होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, रेड प्रकाश यानी लाल प्रकाश में होते हैं। ब्लू रे में क्या होता है बच्चों? जो सघनता है वो और बढ़ जाती है। ब्लू रे के अंदर जो ट्रैक होते हैं ये बहुत नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और बच्चों जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और इनकी कैपेसिटी लगभग 80 GB तक की पहुंच जाती है। बच्चों याद रखना यहाँ पर जो कलर यूज करते हैं वो प्रकाश कौन सा यूज करते हैं डेटा डालने के लिए, वो ब्लू प्रकाश यूज करते हैं, यहाँ पर रेड प्रकाश यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? दोनों जगह डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट ही यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाना चाहिए। और सर ब्लू रे नाम क्यों पड़ा इसका? तो ब्लू रे बच्चों एक तो टेक्नोलॉजी बदली है। टेक्नोलॉजी क्या है कि जो जो ट्रैक वाले पार्ट है वो बहुत नजदीक नजदीक आ गए, सघनता बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ गई है, ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब डेंसिटी बढ़ गई तो बच्चों यहाँ पर एक जो डेटा डाला जाता है उसके प्रकाश को भी बदल दिया गया, या ब्लू प्रकाश से डेटा डाला जाता है वह रेड प्रकाश से डेटा डाला जाता था। हाँ, दोनों को डिलीट करने का एक ही तरीका है, क्या? अल्ट्रा वायलेट विकिरणों को यूज करते हैं अपन, किसके लिए? डिलीट करने के लिए। क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है? एक बच्चों अगर अपन को फ्लैश भी आपके सामने आ गया, और डीप में बच्चों मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा बैंक का तरीके से डीप, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, 10-20% पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जाओगे आपको फुल डीप मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, अपन बात कर लेते हैं। एक होता है कि सर सेकेंडरी स्टोरेज सेमी कंडक्टर का भी तो बना सकते हैं, लेकिन बच्चों क्या बर्बाद होना है क्या आपको? बर्बाद तो नहीं होना ना। सेमी कंडक्टर का अगर तुम सेकेंडरी स्टोरेज बनाओगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए नहीं बनाते। तो सेमी कंडक्टर से केवल रैम रोम बनाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज इसलिए नहीं बनाते, कॉस्टली ज्यादा है। लेकिन बच्चों याद रखिए साइंटिफिक रिसर्च में जहां पर कंप्यूटर काम आते हैं वहां स्टोरेज सेमीकंडक्टर के ही बनाए जाते हैं, याद रखना। तो आप अगर मैं बात करूं एक एक डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना, CPU के पास रजिस्टर होते हैं, ये तो आपके क्लियर है। CPU के पास क्या होता है? रजिस्टर होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं CPU के अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए क्या होता है? रजिस्टर। और बच्चों यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है, ये भी पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? रैम होती है। डेटा स्टोर रोम में तो डेटा स्टोर कर ही नहीं सकते क्योंकि रोम तो फुल भरी हुई होती है और उसके अंदर फर्मवेयर होते हैं, और कंपनी मैन्युफैक्चर करते वक्त रोम की प्रोग्रामिंग कर देती है, और रोम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि रोम के अंदर बायोस होते हैं, ये भी कंप्यूटर टीचर के अंदर आया था। और बायोस क्या है? प्रोग्रामों का ग्रुप है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, और उन्हीं में से एक बूट स्टेप लोडर भी होता है जो रोम के अंदर मिलता है, जो बूटिंग कराने में पहला योगदान है वो किसका है बच्चों? बूट स्टेप लोडर का है। यहां तक भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, जितना भी मैंने बोला वो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रजिस्टर, यहाँ प्राइमरी, और यहाँ पर कौन सा है बच्चों? सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है। अब बच्चों रजिस्टर, इन दोनों के बीच में स्पीड का मिसमैच है, तो बच्चों उसको रोकने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? केस। जो केस मेमोरी है वो भी 3 तरीके की होती है बच्चों, L1 होती है, L2 होती है, और क्या होती है? L3। ये शेयरेबल है बच्चों, ये शेयरेबल है, ये याद रखना, और ये शेयरेबल नहीं है, ये बच्चों CPU के अंदर ही आती है। L1, L2 और ये CPU की बॉडी के बाहर आती है। बच्चों इनके बारे में मैंने खूब चर्चा कर रखी है, वहां से आप देख लेना। और इन दोनों के बीच में बच्चों बफर लगा देते हैं क्योंकि इनमें भी स्पीड मिसमैच है, तो इनके बीच में क्या लगा दी जाती है? बफर। और सेकेंडरी स्टोरेज में अगर बात करें जमाने की, तो बच्चों सबसे बड़ी बड़ी मेमोरी किसकी बनती है? मैग्नेट। लेकिन सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है? तो टेप। सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है? टेप। अगर मैं स्लो के हिसाब से जमाऊं तो सबसे स्लो कौन है? क्योंकि इधर फास्ट वाले हैं, तो सबसे फास्ट रजिस्टर, फिर केस, फिर बच्चों रैम। अगर कोई पूछे रैम और रोम में से कौन फास्ट है,
तो रैम ज्यादा फास्ट है किससे, रोम से। ये याद रख लेना बच्चों, रैम ज्यादा फास्ट है रोम से। कोई पूछे इनमें से फास्ट कौन है, तो इनमें से फास्ट रजिस्टर है, सबसे ज्यादा स्लो सेकेंड स्टोरेज है। अब बच्चों ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं कुछ न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप बच्चों यहाँ है, मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो है, और मैग्नेटिक टेप के बाद बच्चों आपकी आती है ऑप्टिकल, और ऑप्टिकल मेमोरी के बाद आपकी आती है फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक ऑप्टिकल के बाद मैग्नेटिक ऑप्टिकल से फास्ट है बच्चों, क्लियर। और मैग्नेटिक के बाद आती है फ्लैश, और फ्लैश से भी फास्ट कौन सी होगी बच्चों, सेमीकंडक्टर। अब लेकिन सेमीकंडक्टर को अपन सेकेंडरी में यूज नहीं करते, ये सेकेंडरी का पार्ट है बच्चों, क्लियर। किस हिसाब से, मैं इसको स्पीड नीचे कर देता हूँ, स्पीड बढ़ रही है, ऐसे कैसे बढ़ रही है बच्चों, ये स्टोरेज की बातें चल रही है, स्टोरेज की बातें चल रही है, क्लियर। इन दोनों में आपके समझ में आ गया, अगर इन सब में देखे तो स्पीड इधर बढ़ती है, स्पीड इधर बढ़ती है तो पर बिट कॉस्ट भी इधर ही जाता है बच्चों, क्लियर। याद रखिए रैम रोम आपके समझ में आ गया, बफर आपके आ गया। बफर के लिए अपन अधिकतर क्या यूज करते हैं, एसएसडी को यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकंड स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। रैम बच्चों बिल्कुल खाली होती है, या रैम को प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज किया जाता है। रोम तो फुल भरी होती है, इसलिए डेटा स्टोर के लिए रोम को यूज नहीं करते, परमानेंट डेटा स्टोर के लिए रोम को यूज करते हैं बच्चों। ये टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी और ये भी टेम्परेरी है बच्चों। टेम्परेरी कंप्यूटर बंद होते ही खत्म, टेम्परेरी कंप्यूटर बंद होते ही खत्म, टेम्परेरी कंप्यूटर बंद होते ही खत्म बच्चों। ये परमानेंट है बच्चों, ये परमानेंट है, परमानेंट है, और ये भी क्या है, टेम्परेरी है। कंप्यूटर बंद होते ही क्या है, खत्म, क्लियर। याद रखना बच्चों, जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट है, परमानेंट है और नॉन वोलेटाइल है, क्लियर। और जितने भी केस है वो सब क्या है, टेम्परेरी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इनमें कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अपना टॉपिक ये है कि सिक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, क्लियर। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, उसके ऊपर अपन चलते हैं। क्या SSD2 परमानेंट है ना सर? SSD परमानेंट, सॉरी ये गड़बड़ कर दी। SSD क्या है बच्चों? परमानेंट है, क्लियर। SSD क्या है? परमानेंट है, हार्ड डिस्क की जगह काम में आता है। आ गया सबके समझ में? SSD हार्ड डिस्क की जगह यूज आता है, क्या है, परमानेंट, एज ए बफर यूज करते हैं, क्लियर। हाँ वो गड़बड़ हो गया है ना, SSD मैंने रैम के ऊपर लिख रहा था। नेक्स्ट चलिए सर, डायरेक्ट एसेज मेमोरी कौन सी है? डायरेक्ट एसेज मेमोरी ये सारी ही है, केवल टेप को छोड़कर, टेप को छोड़कर। टेप डायरेक्ट एक्सेज मेमोरी नहीं है, डायरेक्ट एक्सेज मेमोरी में टेप नहीं आता, बाकी सब आते हैं, क्लियर। और कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 1:33 हो चुका है, 1.5 घंटे का टाइम बाकी है। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, सबसे ज्यादा पोर्टेबल कौन सी है? फ्लैश। सर स्टोरेज में पहले भी मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल के बाद भी मैग्नेटिक। सर स्टोरेज में पहले भी मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल के बाद भी मैग्नेटिक, कहाँ लिखा मैंने मैग्नेटिक? यहाँ पर टेप है, ये टेप है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, वो टेप है, क्लियर। समझ में आ गया? टेप का यूज अभी होता है क्या सर? नहीं होता, बंद हो गई लगभग। CD DVD भी लगभग बंद हो चुकी है, क्लियर है बच्चों? और कोई डाउट हो तो बोलिए। रोम और CD रोम में अंतर बताओ। देखिए रोम, CD रोम ही रोम है, लेकिन बच्चों जो रोम लिखते हैं ना, वो अपने कंप्यूटर के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग होके आता है वो रोम है। और CD रोम बच्चों जो बाजार में CD मिलती है उनको CD रोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो गेम की CD लाए, तो आप उसको थोड़ी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, क्लियर है, तो वो है CD रोम। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर एक चिप आती है मदरबोर्ड के ऊपर, वो रोम है। तो CD रोम भी एज ए रोम ही है, एक रोम ही है, क्लियर। बैकअप के लिए यूज में लेते हैं टेप को। हाँ, बैकअप के लिए आज भी यूज आती है टेप, क्योंकि टेप की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। टेप की जो लाइफ है 200 साल मानी गई है, 200 साल मानी गई है कि 200 साल तक आपको इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 200 साल बाद भी ये चल जाएगी। सर मैग्नेटिक डिस्क एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और सिक्वेंशियल। रैंडम एक्सेस मेमोरी है मैग्नेटिक डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, आपको 4 गाने निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी आप बोलोगे रीड राइट हेड वो चल जाएगा। अरे रैंडम, ये वाली रैंडम से मत तोड़ना बच्चों। इसको रैंडम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्टली डेटा उठा लेती है बच्चों, क्लियर। तो ये तो रैंडम नाम ही है और ये रैंडम कंसेप्ट है।
ये रैंडम कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है वो सिक्वेंशियल है, बाकी सभी का जो कंसेप्ट है वो क्या है, रैंडम है, या जितनी भी है वो सब रैंडम में ही आती है, रैंडमली डेटा उठाने वाली रैंडम है। रैम अलग चीज है, रैम का नाम जरूर रैंडम एक्सेस है, लेकिन रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन अगर कोई पूछे कि हार्ड डिस्क कैसे डेटा उठाती है तो रैंडमली उठाती है। क्या ये क्लियर है? बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, मैंने कंप्यूटर टीचर की तैयारी की थी। ठीक है, बढ़िया। ओएस किस में स्टोर होता है? ओएस किस में स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है जब कंप्यूटर चलता है, और जब कंप्यूटर बंद होता है तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। सर इट सिक्वेंशियल मेमोरी डायरेक्ट एसेज मेमोरी होती है। अरे अरे जसोदा, ये तो दिक्कत है। इट सिक्वेंशियल मेमोरी डायरेक्ट एसेज होती है? अरे सिक्वेंशियल मेमोरी कभी डायरेक्ट एसेज होती नहीं है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस कैसे होगी? क्लियर? आपको तो पढ़ने की जरूरत है। एक कह रहा है मेरी शादी की तो वीडियो कैसेट खराब हो गई। अरे भाई उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ऐसे ही रख दिया होगा तो क्या इलाज है? एक्सक्लूड मैग्नेटिक टेप, ऑल आर रैंडम। वेरी गुड भावना, बिल्कुल सही है। क्लियर? मेरे हिसाब से काफी बच्चों के समझ में आ गया, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, इसका मतलब लगता है कि उन्होंने वीडियो नहीं देखे। मेरे वीडियो देखो, और वीडियो भी नहीं देखो तो टेप, मैंने नोट्स फ्री कर रखे सबके लिए, टेलीग्राम पे जाइए नोट्स ले लीजिए, और वीडियो देख लोगे तो चार चांद लग जाएगा। ठीक है पीएम, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलो कर लो एक मिनट बात कर लो, एक मिनट से ज्यादा नहीं करनी, एक मिनट से ज्यादा नहीं करनी, फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको तो सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको जिन्होंने पढ़ा नहीं, अब वो करो कोशिश, और तो क्या इलाज है बच्चों, आगे से ध्यान रखना, और तो क्या इलाज है। हाँ जी, अगर कोई नया है तो लाइक कर दो, नया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ऐप में कब लोगे क्लास? अब कोई नया कंटेंट आएगा, पाइथन स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामर के लिए, तब लेंगे, अभी लेके क्या करें, खूब पढ़ा दिया ऐप में, वीडियो बन जाते हैं फालतू में भाई, ये सारी चीजें ऐप में पढ़ा रखी है मैंने, कोई अलग चीज पढ़ाए तो लेंगे ऐप में, आने दो कोई क्लास। सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है भाई। प्रिंटर कौन से पोर्ट में कनेक्ट होता है? पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। मॉनिटर सीरियल में होता है, और बाकी स्कैनर और प्रिंटर पैरेलल पोर्ट में होता है। सीरियल मॉनिटर पैरेलल प्रिंटर और स्कैनर पहले वीडियो में ही बता रखा है, एक बार देख लेना। चलिए आगे बढ़ते, पोर्ट लेके आऊंगा मैं एक दो दिन में, दुनिया के सारे पोर्ट समझा दूंगा आपको, एक दिन प्रोटोकॉल लेके आऊंगा, दुनिया के सारे प्रोटोकॉल समझा दूंगा, पोर्ट प्रोटोकॉल, और एक दिन वायर लेके आएंगे, सारे वायर समझा देंगे आपको। प्रिंटर और मॉनिटर भी पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा देंगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आते ही मैं सब पढ़ा दूंगा। चलो टॉपिक पे आ जाइए, अब बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं अपन हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। और डीप में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, डीप में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है, लेकिन सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, जितना हो सके बताने की कोशिश की है। क्लियर? सर हार्ड डिस्क के फॉर्मेट होने के बाद भी डेटा कैसे रिकवर हो जाता है? देखिए डिलीट होने के बाद रिकवर होता है, फॉर्मेट करने के बाद रिकवर नहीं होता, डिलीट करने के बाद रिकवर होता है। तो सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, डिलीट में क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे दिमाग है तो मेरे दिमाग में कोई चीज डिलीट हो गई, आप याद दिलाओगे तो वापस आ जाएगी। तो बच्चों जब अपन डेटा डालते हैं तो डिलीट अलग है, फॉर्मेट अलग है। क्लियर? तो जब डेटा डालते हो, कॉपी करते हो, तो पुराने डेटा के ऊपर ही नई डेटा की कॉपी हो जाती है। हम नए डेटा को जब हटाते हैं तो पुराना डेटा मिल जाता है, लेकिन जब फॉर्मेट करते हैं तो मेमोरी पूरी खाली करनी पड़ती है, तो उसके बाद कुछ नहीं मिलता। जब कोई आदमी बावला हो जाता है तो तो बच्चों उसको बोलते हैं फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। लेकिन कोई भूल जाता है तो क्या याद नहीं आता, याद आ जाता है। डिलीट अलग चीज है, फॉर्मेट अलग चीज है। क्या ये क्लियर है? जावा और पाइथन आईए के लिए रेडी नहीं करना बच्चों, जावा के उप्स कंसेप्ट तैयार करने, पाइथन के उप्स कंसेप्ट तैयार करने यहीं पर करा देंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? किसी ने बोला कि सर डिलीट और फॉर्मेट में अंतर है क्या? डिलीट में क्या होता है, मान लो ये परत है डेटा की, इसी के ऊपर नई कॉपी कर देना। क्लियर है बच्चों? ठीक है, जैसे मेरा दिमाग है तो मैंने बहुत दिनों पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी थी,
तो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बच्चों, बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा, तो उसके ऊपर क्या होगी, परत जम गई। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा मेरे को याद आ जाएगा बच्चों क्लियर है, इसको बोलते हैं डिलीट। और बच्चों मैं बावला हो गया, बावला हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो उसको कहते हैं फॉर्मेट। क्लियर? चलो चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाइए। अब बच्चों देखिए कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, समझना। एक होता है सिक टाइम, सिक टाइम क्या होता है, सिक टाइम क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आईए में आया था। बच्चों लेटेंसी टाइम क्या होता है, आईए में आया था, लेटेंसी टाइम क्या होता है। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है बच्चों, क्लियर। एक्सरसाइज टाइम क्या होता है बच्चों, क्लियर। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, क्लियर। तो इन सबके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ये वही पांच टाइम है बच्चों, इनको ढंग से समझना, यहां से क्वेश्चन आएगा और आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं, हार्ड डिस्क ड्राइव की कह रहा हूँ बच्चों। आरपीएम क्या होता है ये भी समझना, एडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव मूविंग पार्ट होता है, डिस्क घूमती है बच्चों, एसएसडी में डिस्क नहीं घूमती। सॉलिड स्टेट ड्राइव की स्पीड फास्ट है, इसकी स्पीड थोड़ी कम है, ये मैग्नेटिक सिद्धांत पे काम करती है, चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पे काम करती है बच्चों। वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पे काम करती है और वहां पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है और उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, वो ब्लॉक पे काम करती है, ये बाइट पे काम करती है बच्चों। ये किसका कंपैरिजन चल रहा है, ये एसडीडी और एसएसडी का कंपैरिजन चल रहा है। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आजकल, इसको छोड़कर दुनिया उधर क्यों जा रही है। अरे बहुत सारे रीजन है बच्चों, लेकिन न्यूमेरिकल तो इधर से ही आता है, न्यूमेरिकल उधर से नहीं आता। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सिक टाइम, रोटेशनल टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, एक्सेस टाइम और टर्न अराउंड टाइम। टाइम, तो सारे टाइम अपन देख लेते हैं। पहले हार्ड डिस्क की बनावट को देख लेते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क इस तरीके से बनती है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हार्ड डिस्क में बच्चों संकेंद्रीय वर्त होते हैं बच्चों, इस पूरे को ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं, पूरे को ट्रैक कहते हैं। ये पर्टिकुलर चीज होती है इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और बच्चों याद रखिए एक ट्रैक के अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं, और जब तक नहीं दे सेक्टर की साइज क्या होती है, तो सेक्टर की साइज 512 बाइट होती है बाय डिफॉल्ट। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सेक्टर की बाय डिफॉल्ट साइज 512 बाइट होती है, ट्रैक बटा होता है सेक्टर में बच्चों। ये पूरी की पूरी डिस्क होती है, ये क्या होती है डिस्क, और डिस्क में एक सरफेस ऊपर होता है, एक सरफेस नीचे होता है। क्लियर? याद रखिए अगर 10 डिस्क है, कितनी डिस्क, 10 डिस्क है, चलो एक काम करते हैं 11 डिस्क है, कितनी डिस्क है 11, तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे आप बताइए, रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे। तो रिकॉर्डिंग सरफेस को डिस्क है तो सिलेंडर हो गया, तो 11 × 2 टोटल सरफेस होंगे कितना, 22, दो सरफेस कम कर दो 20 सरफेस रिकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपको सरफेस ही दे दे तो बच्चों याद रखना फिर आपको 20 ही लेने, आगे समझ में। कल वो कहते रिकॉर्डिंग सरफेस नहीं दे और वो कहे सरफेस है, किसी डिस्क में सरफेस 20 है, तो मान के चलो ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है, एक तो ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब चलो बच्चों अपन एक एक चीज को देखते हैं बच्चों। जब अपन बात करते हैं डिस्क से डेटा उठाने की, डिस्क से डेटा उठाने की, तो आप सबको पता है रीड राइट हेड जहां पर भी है, मान लो रीड राइट हेड यहां पर, रीड राइट हेड हर सरफेस का अलग अलग होता है आप सबको पता है। हाँ टेप ऐसा है जिसमें एक ही रीड राइट हेड होता है, बाकी डिस्क के जितने भी उनमें रीड राइट हेड प्रत्येक सरफेस के लिए अलग अलग होता है। अब बच्चों मान लीजिए रीड राइट हेड ये है आपका, रीड राइट हेड ये है। अब बच्चों रीड राइट हेड मान लो यहां पर पड़ा हुआ है, कहां पर, यहां पर भाग, और आपको यहां से डेटा उठाना है, यहां से डेटा उठाना है बच्चों। ये 57 में पड़ा हुआ है, रीड राइट हेड 57 नंबर के ट्रैक में पड़ा हुआ है, और आपको 1 नंबर के ट्रैक में जाना है। डेड डैश लग रहा है समझ जाओ, या फिर ये बोलो कि ये 57 नंबर का, अच्छा चलो ऐसे ले लेते हैं, 57 नंबर का आपका सेक्टर है, क्या है सेक्टर है। अब 57 नंबर का सेक्टर है बच्चों, यहां पर भी है 57 नंबर का सेक्टर है, क्लियर है, 57 नंबर का सेक्टर है, 57 नंबर का सेक्टर है बच्चों। ये बाहर के ट्रैक से यहां आएगा, तो इस ट्रैक से इस ट्रैक पे जाने का जो टाइम है बच्चों उसको, ये मान लो 110 नंबर का सेक्टर है, 110 नंबर का सेक्टर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 110 की जगह मैं और अच्छा समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ये
80 नंबर का सेक्टर है, क्लियर, 80 नंबर का सेक्टर है। तो बच्चों 57 नंबर के सेक्टर से 57 नंबर के सेक्टर पे जा रहे हो, इस ट्रैक से इस ट्रैक पे जाने का जो टाइम है उसको कहते हैं अपन सिक टाइम, पर्टिकुलर सिक टाइम, सिक टाइम पर्टिकुलर ट्रैक पे जाने का टाइम, ट्रैक से ट्रैक जाने का टाइम, ट्रैक से ट्रैक जाने का टाइम, ट्रैक से ट्रैक। अब बच्चों ये ट्रैक से ट्रैक इसके 57 सेक्टर पे था तो इसके भी 57 सेक्टर पे ही जाएगा, तो यहां से ट्रैक से ट्रैक बदला, ट्रैक से ट्रैक बदला, ट्रैक से ट्रैक जाने का टाइम क्या कहलाता है, सिक टाइम। बच्चों जिस ट्रैक पे आप खड़े हो वहां से डिजायर ट्रैक पे जाने का टाइम क्या कहलाता है, सिक टाइम। अब बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं बात करूं रेड राइट हेड के इस पूरे में घूमने का जो समय होता है उसको रोटेशन टाइम कहते हैं। बच्चों मान लो रेड राइट हेड यहाँ पहुंच गया और यहां से वापस रेड राइट हेड, बच्चों यहां पर आने का टाइम रोटेशन टाइम कहलाता है। रोटेशन टाइम मतलब रोटेशन टाइम, रोटेशन टाइम मतलब क्या होता है, पूरा एक सर्किल लगने का समय, एक सर्किल एक ट्रैक में घूमने का समय, एक ट्रैक में घूमने का समय रोटेशन टाइम कहलाता है, ठीक है। एक होता है बच्चों रोटेशन लेटेंसी, रोटेशन लेटेंसी, रोटेशन लेटेंसी, रोटेशन लेटेंसी, बच्चों क्लियर, लेटेंसी ये क्या होता है तो समझना बच्चों, आपको यहां से ये रोटेशन टाइम अलग है, पूरे सर्किल लगाने में जो टाइम लगा उसको रोटेशन टाइम कहते हैं। लेकिन पूरा सर्किल क्यों लगा रहे हो, आपको तो केवल यहां से यही जाना है बच्चों, आपको तो यहां से यही जाना है, यही जाना है ना बच्चों, यही जाना है। तो सेक्टर से डिजायर सेक्टर पे जाने का टाइम उसको बोलते हैं बच्चों रोटेशन लेटेंसी, लेटेंसी मतलब लेटेंसी, लेटेंसी यानी पूरा रोटेशन नहीं बच्चों, जहां सेक्टर मिल जाए वो, तो जहां सेक्टर पे खड़े हो वहां से डिजायर सेक्टर पे जाने का टाइम वहां क्या कहलाता है, लेटेंसी टाइम। रोटेशन नहीं भी लगाओ तो लेटेंसी टाइम समझ जाओ कि आपको सेक्टर से सेक्टर पे जाने का टाइम, सिक टाइम ट्रैक से ट्रैक जाने का टाइम। तो बच्चों यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। अब बच्चों यहां पहुंच तो गया लेकिन यहां तो 512 बाइट है, सबको पता है कितनी बाइट है, 512 बाइट। अब मेरे को इस सेक्टर को एसएच करना है, पूरे सेक्टर को एसएच करना है। तो बच्चों एसएच करेंगे तो कैसे एसएच करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा। डेटा ट्रांसफर क्या होता है तो डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम वर्ड सुनिए, डेटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है। तो बच्चों डेटा ट्रांसफर टाइम निकाल लेते हैं, टाइम क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम क्या हुआ। तो बच्चों डेटा कितना पड़ा है, डेटा कितना पड़ा है, और बच्चों याद रखिए डेटा ट्रांसफर टाइम कितना लगा, इस डेटा को ट्रांसफर करने का टाइम कितना लगा। तो बच्चों डेटा कितना पड़ा है और ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड। बच्चों टाइम कैसे निकलता है, डेटा अपॉन स्पीड, ट्रांसफर स्पीड, यहां पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड क्या है उसके ऊपर टिका हुआ, डेटा ट्रांसफर स्पीड अपन निकाल लेंगे। तो बच्चों आप बताइए, यहां बाहर से आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां पहुंचा और फिर इसको एसएच कर लिया पूरा का पूरा। अब बच्चों तीनों टाइम मिलकर कौन कौन सा, सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम मिलाकर क्या कहलाता है, एसएच टाइम। क्लियर, मोटा मोटा ये आता है एसएच टाइम। तो एसएच टाइम का फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, एसएच टाइम आपके समझ में आया। देखो बच्चों मेरे को किसी ने खाने पे बुलाया, तो खाने पे बुलाया ये लीजिए मैं यहां पर पहुंच गया, फिर वो मेरे को कमरे में लेके जाएगा, ये लेटेंसी टाइम, और फिर मैं खाना खाऊंगा, ये हो गया बच्चों ट्रांसफर टाइम। और तीनों मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, वो होता है एसएच टाइम। ये याद रख लेना, ये फॉर्मूला कई बार आ चुका बच्चों। सिक टाइम बहुत बड़ा होता है, रोटेशनल टाइम छोटा होता है, और एसएच टाइम है ना वो भी छोटा ही होता है। अब बच्चों रोटेशन लेटेंसी क्या होता है, जो रोटेशन एक चक्कर में जो समय लगता है उसका जस्ट आधा होता है, याद रखना पूरा चक्कर नहीं लगाना, औसतन औसतन आधा चक्कर को ही लेटेंसी टाइम कह देते हैं। तो हाफ इनटू बच्चों रोटेशन टाइम, लेटेंसी रोटेशन टाइम, रोटेशन टाइम, रोटेशन टाइम का आधा करते ही रोटेशन लेटेंसी आ जाती है। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो, वापस सुन लो, सेक्टर से सेक्टर जाने का टाइम सिक टाइम, बच्चों उस जहां जिस सेक्टर सॉरी ट्रैक से ट्रैक जाने का टाइम सिक टाइम, जिस सेक्टर पे पहुंचे वहां से डिजायर सेक्टर पे पहुंचने का टाइम सिक टाइम, लेटेंसी टाइम। अब बच्चों लेटेंसी टाइम जो है ना, लेटेंसी अलग है, रोटेशनल अलग है, पूरा घुमा ये हो गया रोटेशनल, क्लियर, लेकिन जहां जरूरत है उतना ही घुमा ये हो गया लेटेंसी। तो लेटेंसी टाइम रोटेशनल टाइम का जस्ट आधा। तो बच्चों पहले आए फिर घुमा और फिर उसको क्या किया, डेटा को ट्रांसफर किया। तो तीन टाइम मिलकर आपका एसएच टाइम बनता है। कौन कौन से तीन टाइम, सबसे पहले सिक टाइम होता है जिसकी मात्रा बड़ी होती है बच्चों, दूसरा होता है लेटेंसी टाइम, और तीसरा होता है बच्चों डेटा ट्रांसफर टाइम। क्योंकि 512 बाइट को ट्रांसफर भी तो करना है। एसएच का मतलब क्या है, पूरी की पूरी थाली खा गया,
पूरी की पूरी थाली खा गया, पूरी की पूरी थाली खा गया, तो बच्चों वो क्या कहलाता है? शिष्ट है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं मान लो कोई ब्राह्मण है उसको बुलाया, मैं ही मान लो मेरे को जीवन पे किसी ने बुलाया। अब बच्चों मेरे को जीवन पे बुलाते हैं ना अपन कि ब्राह्मणों को भोज करा दो, बुलाया करो बच्चों, है ना। तो बच्चों इसमें क्या होगा, यहां से चला मैं, अब यहां से चला तो ये क्या है, बाहर तो ट्रेक है, तो ट्रेक से ट्रेक जाने का टाइम सिक टाइम, फिर वहां से घूम के अपन वहां पहुंचे सेक्टर पे, तो उसको क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम। रोटेशनल तो उसको कहते हैं पूरे घूमा, लेकिन उसको कहते हैं अपन लेटेंसी टाइम। और लेटेंसी टाइम के बाद उसको डेटा को ट्रांसफर करना है, डेटा को ट्रांसफर जब करेंगे अपन तो उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर टाइम। और तीनों टाइम मिलाकर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एसएस टाइम। क्लियर? समझ में आ गया होगा यहां तक? ठीक है। अब बच्चों यहां से आपके फॉर्मूले आते हैं, तो रोटेशनल लेटेंसी ये सब तो आइए तक सही है, आइए तक कोई दिक्कत नहीं, इतना आपके आ सकता है। लेकिन बच्चों याद रखना आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, दो मिनट हो लेकिन न्यूमेरिकल भी आपको समझा देता हूं। यहां तक आपके समझ में आ गया? अब बच्चों टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब देखो, ये तो पूरा का पूरा है, ऐसे टाइम तो है, ऐसे टाइम तो है बच्चों। अब ऐसे टाइम है, लेकिन आप बताओ क्या आपका तुरंत नंबर लग गया? नहीं। तो बच्चों आप क्यू में लगे होंगे, तो उसका क्यूइंग टाइम आ गया, क्यूइंग टाइम। बच्चों क्या वाकई आप तुरंत प्रोसेसिंग कर लोगे, सीपीयू आपको टाइम दे देगा? नहीं। तो प्रोसेसिंग टाइम, तो जितने भी टाइम लगे, जितने भी इनके अलावा ऐसे टाइम के अलावा जितने भी टाइम लगे क्वेश्चन में देगा, उन सबको जोड़ देना, तो क्या जाएगा, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। क्लियर? लेकिन बच्चों आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा क्या, आपसे केवल ऐसे टाइम पूछेगा, शिफ्ट टाइम पूछेगा, लेटेंसी टाइम पूछेगा, रोटेशन टाइम पूछेगा, रोटेशन लेटेंसी पूछेगा, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर टाइम पूछेगा। क्लियर? तो डेटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है? तो बच्चों डेटा को ट्रांसफर करने में कितना समय लगा, अरे बताओ डेटा क्या है और ट्रांसफर की स्पीड क्या है, डेटा ट्रांसफर टाइम। तो मैं अभी यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, डेटा ट्रांसफर टाइम, चलो यहां पहुंच गए, अब इस डेटा को ट्रांसफर करना। तो डेटा टाइम चाहिए, डेटा ट्रांसफर टाइम चाहिए, डेटा ट्रांसफर टाइम का फॉर्मूला, डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम। तो बच्चों याद रखो डेटा ट्रांसफर टाइम एक छोटा सा पार्ट है एक्सेस टाइम का। तो बच्चों टाइम पूछ रहा है डेटा ट्रांसफर टाइम, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे टाइम चाहिए डेटा को ट्रांसफर करने में, तो पहले तो ये बताओ डेटा कितना है, उसको डिवाइड कर देना बच्चों रोटेशनल स्पीड, डेटा ट्रांसफर टाइम को, डेटा डेटा ट्रांसफर टाइम कितना लगा उसको, डेटा को डेटा ट्रांसफर स्पीड से डिवाइड कर देना, ट्रांसफर स्पीड से, टाइम चाहिए तो स्पीड से डिवाइड कर देना कि भाई इसी स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और इतना डेटा करना है, तो टाइम आ जाएगा। क्लियर? और बच्चों एक्सेस टाइम है तो सिक टाइम देख लेना। अच्छा एक बार बताओ रोटेशनल टाइम क्या होता है? तो रोटेशनल टाइम का मतलब है एक चक्कर लगाने का समय, रोटेशनल टाइम अलग चीज है, लेटेंसी अलग है। तो एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और लेटेंसी बोले तो एक चक्कर का समय का जस्ट है आधा। क्लियर बच्चों? अब चलिए ऐसे टाइम, तो ऐसे टाइम बच्चों आपके लेवल पे सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम, ये तीनों चीजों को जोड़ के अपन ये बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा आपका। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर फिर टर्न अराउंड टाइम और ऐसे टाइम में क्या, इसके भी एक्स्ट्रा कोई टाइम लगा है, उन सबको जोड़ देंगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। क्लियर? अब चलो मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं, अच्छे तरीके से समझना। यहां तक बच्चों आपके आईए में आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है लेकिन छोटा मोटा आएगा, तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है और क्या नहीं है। क्लियर? चलिए सारे करा दूं बच्चों, देख लेते हैं अपन सारे क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलना जरूरी है। ठीक है, यही देखिए आप, एक तो ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपके पूरी थ्योरी समझ में आ गई, क्या आपके पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, टर्नरी स्टोरेज का, स्टोरेज का, पिटो लेंस का, ऑप्टिकल मेमोरी का, अल्ट्रावायलेट विकिरणों का, बच्चों क्लियर, मैग्नेटिक क्लियर, चुंबकीय फ्लक्स का, टेप का, और बाकी देख लेना एक बार और, एक बार और देख लेना। अब देखो बच्चों वीडियो देखने का समय उनके लिए नहीं है जिन्होंने एक बार मेरे वीडियो देख रखे हैं, तो आप केवल डेली पीडीएफ निकाल लो, 40 की 40 डेली पीडीएफ एक घंटे में हो जाएगी। आपके कितने सब्जेक्ट है, 15 के आसपास, 15 घंटे में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, 15 घंटे से ज्यादा का रिवीजन नहीं, अंबिका वालों ने अगर एक बार पढ़ रखा है तो।
केवल भूलते ही तो हो, तो जैसे डेली पीडीएफ देखोगे, नोट्स की बजाय डेली पीडीएफ देख लेना, आपका काम हो जाएगा पूरी अच्छे ढंग से पढ़ के। क्लियर सर? डेली अच्छा अच्छा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन तुम शेयर नहीं करते बच्चों। मेरे को एक चीज का दुख होता है कि अपनी जो ये रीच है, ये 100 क्यों नहीं पहुंच रही है ना, ये 100 तक पहुंचाओ आप इनको, बोला करो लोगों को कि भाई तुम कहां चक्कर में पड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। कल टेस्ट है बच्चों, अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दिया, 1 बजे टेस्ट है। सारे पेपर बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर सोल्व करा दो, तो 1 तारीख से अपन लग जाएंगे, सारे पेपर में सोल्व करा दूंगा। बाकी ऐसे कर रखे पेपर उन्हीं में से बनाए वीडियो में से मैंने। भावना टर्न अराउंड टाइम टू, ये तो भाई प्रोसेस में होता है, ये तो प्रोसेस के अंदर होता है, ये तो टर्न अराउंड टाइम आप प्रोसेस के लिए आगे। संदीप खंडेलवाल जी, प्रोसेस को आप डिस्क में शामिल मत करो। क्लियर? प्रोसेस के अंदर टर्न अराउंड टाइम कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। क्लियर है कि जब प्रोसेस आया रेडी क्यू में, कब पहुंचा, वहां से जब तक वो बाहर निकला, तो उन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है। लेकिन वो प्रोसेस की बात है, अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो हार्ड डिस्क की बात पढ़ रहे हैं, तो दोनों जगह अलग अलग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख लेना बात किसकी कर रही है, HDD की बात कर रहा है वासिक टाइम, और ये होते ही नहीं बच्चों, वो सब यही होता है। क्लियर है क्या संदीप जी? अच्छा आप लेट आए हो, ठीक है, चलो बच्चों लेट आया था, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन देखते हैं, और तुम सबका सपोर्ट मेरे को मिलना जरूरी है बच्चों। आज ही खत्म करते हैं, कल से नए पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। इसलिए कंसीडर ए हार्ड डिस्क ड्राइव विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन, डायमीटर ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक। बच्चों आप सबको पता है ट्रैक किसको कहते हैं, ऐसे बहुत सारे बने हुए, इनर मोस्ट ट्रैक ये वाला है, इसका डायमीटर कितना है? तो बच्चों जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप बताइए इसकी पेरी आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, पेरी आ जाएगी। सबको पता है अगर किसी ट्रैक की, ये ट्रैक ऐसे ले लो, इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये पेरी, क्योंकि डेटा तो यही जमता है, डेटा तो यही जमता है ना बच्चों, तो इसकी पेरी आ जाएगी। पेरी क्या होती है बच्चों, 2πr होती है। तो 2 × 22/7 × r, r कितनी है 14 है। तो अगर मैं इसको काट दूं 2, तो ये कितना हो गया 22, 44 और 88, 88 सेंटीमीटर इसकी पेरी है। पेरी क्यों निकाला, क्योंकि डेटा यहाँ थोड़ी जमता है, डेटा तो परिधि पे जमता है, परिधि होती है 2πr। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो कंसिडर आप एक बार बताइए, जो ये पूरी की पूरी परिधि है, ये इतना थोड़ा नहीं होता, होता इतना सही है, ध्यान रखिए इतना ही होता है, इतना थोड़ा थोड़ी होता होता समझा रहा। तो बच्चों ये जो लंबाई है पूरी की पूरी, ये एरिया नहीं कह रहा मैं, केवल लंबाई लंबाई जहां डेटा स्टोर होगा, जो डेटा स्टोर होगा वो इनर मोस्ट में काउंट होता है, ध्यान रखना। तो बच्चों ये पूरा का पूरा 88 सेंटीमीटर की पेरी है, डेटा यहाँ पर 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 स्टोर होगा। क्लियर है बच्चों? तो देख चलिए, कंसिडर ए हार्ड डिस्क ड्राइव विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन, डायमीटर बोला, डायमीटर इसको कहते हैं, रेडियस 14 हो गई, ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक 28, इनर मोस्ट को ही लेते हैं जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 28 है, तो इसकी पेरी हो गई 28। रिकॉर्डिंग डेंसिटी, जो घनत्व है रिकॉर्डिंग का, वो क्या है पर सेंटीमीटर पे 4 kb, मतलब 1 सेंटीमीटर चला नहीं, और कितना kb, 4 kb, 1 सेंटीमीटर पे 4 kb, 1 सेंटीमीटर पे 4 kb रिकॉर्डिंग डेंसिटी है, रिकॉर्डिंग डेंसिटी है। 1 सेंटीमीटर चलते 4 kb डेटा है, 1 सेंटीमीटर पे 4, तो 4 kb 1 सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर पे इतना kb होगा बच्चों। क्लियर? ये किसका, ये कितना, ये क्या आया डेटा, आया किस पे, एक ट्रैक पे डेटा, एक ट्रैक का डेटा आया, एक ट्रैक का डेटा आया, क्योंकि एक जो ट्रैक है वो 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 88 का है, तो एक ट्रैक का डेटा आ गया, एक ट्रैक का डेटा आ गया। क्लियर? पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक की कैपेसिटी ये आ गई बच्चों। क्लियर? गुणा कर दो 88 × 4, तो 8 × 32, 2 × 8 = 32 और 3 × 32 = 35, इतना kb, इतना किलोबाइट इस ट्रैक की कैपेसिटी है। एक बार कमेंट करो, क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर हो गया, आप बताइए। उसने क्या बोला, इन देखिए आपको पता है डेटा कहां जमता है, पेरी पे जमता है। पेरी क्या होती है, 2πr होती है, इनर मोस्ट है तो इनर मोस्ट ही लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी अपन कैपेसिटी की बातें करते हैं सभी इनर मोस्ट ही लेते हैं,
बाहर से क्या मतलब है, इनर मोस्ट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों 2πr तो लंबाई इतनी हो गई, 1 सेंटीमीटर में 4 kb है। बच्चों डेंसिटी है कितना, घनत्व है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर 4 kb, तो 88 × 4 × 28 और पूरा का पूरा ट्रैक आ गया। तो एक ट्रैक की कैपेसिटी इतनी है। क्लियर है बच्चों, 352 kb मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखो। कंसिडर ए हार्ड डिस्क ड्राइव विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन। चार सरफेस है इसके ऊपर, कितने सरफेस है, चार। अब चार सरफेस बोला उसने, तो प्लेट तो नहीं बोली, प्लेट बोलता तो 4 × 2 कितना कर देता, 8, 2 कम कर देता, क्योंकि सिलेंडर है। चार सरफेस का क्या होता है, अच्छा चार प्लेट होती तो सिलेंडर हो जाता है, ये तो चार सरफेस ही बोल रहा है, तो रिकॉर्डिंग सरफेस बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, चलो एक एक ऐसे ले लेता हूँ, प्लेट नहीं लेके, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, तो चार सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रे कैपेसिटी, एक ट्रे की कैपेसिटी, मान लो ये ट्रे है आपका, तो इस ट्रे की कैपेसिटी कितनी है, 352 केबी की कैपेसिटी है। तो 352 ही यहाँ होगी बच्चों, 352 ही यहाँ होगी, 352 ही यहाँ होगी। जब ये रोटेट होगा तो 352 बच्चों, एक रोटेशन में 352 × 4 kb डेटा ट्रांसफर होगा एक रोटेशन में। क्लियर है बच्चों, क्यों, क्योंकि चार सरफेस है। तो याद रखिए ये सब काम करते हैं, तो 352 डेटा ट्रांसफर होगा एक रोटेशन में, ठीक है। ट्रे कैपेसिटी 352 है, कोई दिक्कत नहीं। रोटेशनल स्पीड, स्पीड इतनी है, मतलब रोटेशन इस स्पीड से करता है बच्चों, रोटेशन इस स्पीड से करता है 5400 rpm से। बच्चों आपको पता है कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो आरपीएम में नापी जाती है, रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। तो याद रखना, दोनों आ जाए तो रिवोल्यूशन पर मिनट करना, रिवोल्व होना रिवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर है बच्चों, तो आरपीएम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में नापी जाती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है, डेटा स्टोर बाइट में नापा जाता है, सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड MIPS में नापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है बच्चों, मॉनिटर की स्पीड हर्ज में नापी जाती है बच्चों, CPU की स्पीड हर्ज में नापी जाती है। तो याद रखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, वो कह रहा है रोटेशनल स्पीड 5400 rpm रोटेशन है, ये रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, तो मैं रिवोल्यूशन कर देता हूँ, 5400 rpm क्या पर मिनट है, पर मिनट मतलब 60 सेकंड है, 60 सेकंड में इतने रिवॉल्व कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना करेगा, तो 9×6=54, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो एक सेकंड में 90 चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में 90 चक्कर, ठीक है, एक सेकंड में 90 चक्कर, ठीक है। कोई ये पूछे एक सेकंड में 90 चक्कर, तो आप बताओ रोटेशन टाइम क्या लगा, तो बच्चों आप खुद सोचो, ऐसे लिख दो, एक सेकंड में 90 चक्कर, एक सेकंड में 90 चक्कर, तो एक चक्कर का जो समय होता है वही रोटेशन टाइम होता है। एक चक्कर बनाना है तो 1/90 सेकंड। लेटेंसी टाइम बताओ, तो लेटेंसी टाइम बच्चों पूरे चक्कर का आधा चक्कर कर दो, तो आधा करेंगे आधा चक्कर, तो आधा चक्कर बच्चों लेटेंसी टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेटेंसी टाइम। बच्चों ये किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आरपीएम दिया है, स्पीड दिया है, तो बच्चों स्पीड दिया है तो बच्चों 5400 चक्कर पर मिनट, 5400 चक्कर प्रति 60 सेकंड, 90 चक्कर प्रति 1 सेकंड, 1 सेकंड में 90 चक्कर, तो तुम तो ये बताओ ना, 1 सेकंड में 90 चक्कर, तो 1 चक्कर 1/90 सेकंड, वो हो गया रोटेशन टाइम, उसका जस्ट आधा तो 1/180, वो हो गया लेटेंसी टाइम। क्या ये क्लियर है, क्लियर है बच्चों, यहां तक आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स कोटे वाले की क्या कट ऑफ जा सकती है, कट ऑफ बच्चों लगभग जाएगी, क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों को ये पूछे कि एक रोटेशन का समय बताओ, तो एक रोटेशन का समय है बच्चों 1/90 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। एक रोटेशन में डेटा ट्रांसफर इतना होगा, क्योंकि 352 एक में भरा है, एक रोटेशन में डेटा ट्रांसफर 352 × 4 kb होगा, ठीक है। व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, तो रेट डेटा ट्रांसफर रेट, सुनो डेटा ट्रांसफर रेट, अब खुद बनाओ डायग्राम डेटा ट्रांसफर रेट। तो बच्चों डेटा कितना है, ये देख लो डेटा कितना है, डेटा कितना ट्रांसफर करना है और कितने सेकंड में करना है, वो डेटा ट्रांसफर रेट हो जाएगी बच्चों, क्लियर। तो डेटा तो इतना ट्रांसफर करना है,
और कितने सेकंड में करना है, एक सेकंड में करना है, क्योंकि इतना डेटा ट्रांसफर होगा आपका। तो 352 इंटू 4 KB बच्चों क्लियर, इतना डेटा ट्रांसफर होगा, एक सेकंड में होगा या एक रोटेशन में होगा, एक रोटेशन में होगा बच्चों क्लियर, एक रोटेशन में होगा। तो बच्चों एक रोटेशन का टाइम क्या है वो नीचे लगा दो, रेट क्या होती है, रेट होता है समय, समय नीचे आना चाहिए, तो एक रोटेशन का समय बता दो, समय बताओ एक रोटेशन का, एक रोटेशन का समय बताओ, एक रोटेशन में इतना डेटा ट्रांसफर और एक रोटेशन का समय 1/90, 1/90 तो 90 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या बन गया 352 इंटू 4 इंटू 90 KB क्लियर, KB पर सेकेंड, ये डेटा ट्रांसफर की रेट हो गई। अब खुद सोचा करो या 352 ट्रैक में डेटा है और चार सरफेस है, तो इतना डेटा जाएगा एक चक्कर में और एक चक्कर का समय नीचे लगा दो, तो बच्चों ये जो समय है ये सेकंड में कि एक चक्कर में इतना समय, तो बच्चों आप बताइए डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या हो गई, इतना डेटा इतने समय में ट्रांसफर हो रहा है तो ये डेटा ट्रांसफर स्पीड हो गई। क्लियर, एक बार कमेंट करो सर जी, इसकी स्पीड रिवोल्यूशन प्रति सेकंड भी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसे लिखने को तो लिख सकते हो लेकिन याद रखिए RPM ही बोला जाता है। क्लियर, तो सेकंड में आप कन्वर्ट कर दो, सेकंड में आप कन्वर्ट कर दो। क्लियर, तो बच्चों 1,26,720 ये क्या है बच्चों, किलोबाइट है, तो 1,26,720 किलोबाइट पर सेकंड डेटा ट्रांसफर स्पीड है, और इसको 1024 से डिवाइड कर देना मेगाबाइट आ जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट करो, अरे आपका दिमाग मैंने खोलने की कोशिश कर रहा हूं भाई, एक चक्कर का समय पूछो तो एक चक्कर का समय निकाल लो, एक चक्कर का समय क्या लगा तो एक चक्कर का समय निकाल लो। क्लियर, RPM में पता चल जाएगा कि RPM क्या होता है, पहले लिखा करो, RPM होता है ऊपर तो चक्कर और नीचे सेकंड, तो एक सेकंड में इतने चक्कर। अब एक सेकंड में चक्कर पूछे तो ऊपर बता देना, लेकिन वो कह रहा है एक चक्कर में कितना समय लगा, तो 90 चक्कर की जगह एक चक्कर बना रहे तो 90 से डिवाइड कर दो, 1/90 समय लगा, ये समय है सेकंड है, तो लेटेंसी क्या हो गया इसका, जस्ट आधा हो गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, लेटेंसी टाइम बताओ, रोटेशनल लेटेंसी बताओ। तो बच्चों देखिए रोटेशनल लेटेंसी और लेटेंसी टाइम एक ही है, रोटेशन और लेटेंसी अलग अलग है, रोटेशन में पूरा एक चक्कर का समय होता है और रोटेशनल लेटेंसी में उसका आधा होता है, सिर्फ टाइम बाहर से जाने का समय होता है बच्चों, डेटा ट्रांसफर टाइम उसको लेने का समय होता है और एक्सेस टाइम में तीनों समय टोटल हो जाता है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये न्यूमेरिकल सर हमारे आएंगे बहुत कम चांस है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, वही चार सर पे 352 के भी वही क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा उसने, डेटा ट्रांसफर रेट, अब रेट चाहिए ना बच्चों, तो डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है, तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि एक चक्कर में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि चार सरफेस, तो चार सरफेस 352 एक ट्रैक में यानी एक चक्कर में, एक चक्कर में इतना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब बच्चों एक चक्कर का रेट कब आती है, नीचे क्या लगता है समय, तो एक चक्कर का समय लगा दो बच्चों क्लियर। अब बच्चों 5400 RPM दिया आपको, आर का मतलब चक्कर होते हैं, ऐसे बोल दो 5400 चक्कर पर मिनट यानी 60 सेकंड हो गया। अब 60 सेकंड हो गया तो बच्चों ये 90 चक्कर पर सेकंड हो गया, 90 चक्कर पर सेकंड हो गया ठीक है। अब 90 चक्कर पर सेकंड अपन को तो एक चक्कर का समय चाहिए, क्योंकि रेट बोल रहा है, तो एक चक्कर में कितना डेटा गया वो रेट हो गई। तो बच्चों एक सेकंड में 90 चक्कर, तो बच्चों एक चक्कर लगाने का समय बता दो, एक चक्कर का 1/90 उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब माइनस दो सरफेस कब करेंगे, एक बच्चा कह रहा है जब वो कहीं प्लेटर है प्लेट है, तो प्लेट है मान लो 10 प्लेट है, तो 10 को 2 से गुणा करो, अब सारे प्लेटों पे तो प्लेटों में तो सरफेस ही बोल दिया तो सरफेस ही लेना है, लेकिन अगर प्लेट बोल दे तो माइनस दो करके लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि जब डिस्क की बात होती है तो क्लियर, नहीं तो बच्चों कभी ऐसे करना ही नहीं है, वो खुद लिख के देगा कि दो सरफेस के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होती, तब देखना है, क्वेश्चन को देख लिया करो उसके हिसाब से सोचा करो। क्लियर, चलिए प्लेट के केस में लेते हैं, बाकी ऐसे कैसे लेते हैं सरफेस बोला तो उसमें। अब ये क्वेश्चन देखो, अब खुद सोचो, कंसिडर ए हार्ड डिस्क ड्राइव विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन, रोटेशनल स्पीड बच्चों 3000 चक्कर, अब खुद सोचो 3000 चक्कर पर सेकंड पर मिनट लगाती है, तो बच्चों पर सेकंड इसको एक बार लिख लेते हैं अपन, ये खत्म 50 चक्कर ऐसे लिख लेता हूं,
50 चक्कर पर सेकंड, एक सेकंड में 50 चक्कर, एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, ठीक है। ये आ गया अभी तक का रिजल्ट भाई, एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। चलिए सिक टाइम है 12 मिली सेकंड, तो 12 मिली सेकंड आपका सिक टाइम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिक टाइम हो गया 12 मिली सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एसेज टाइम, एसेज टाइम क्या होता है, सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, बच्चों क्लियर, और प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम, क्लियर। चलिए अब इनको और जोड़ना है, तो ये एक्सेस टाइम आ जाएगा, तो ये तो आपके पास आ गया। अब बच्चों उसने कोई डेटा वेटा दिया नहीं, डेटा की संख्या दी नहीं, तो डेटा आपके पास है नहीं, कितना डेटा है, कहीं दे रखा है क्या बच्चों, नहीं दे रखा, तो ये तो डेटा ट्रांसफर टाइम तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तब आएगा जब डेटा दे रखा होगा। लेकिन सॉरी लेटेंसी टाइम आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों एक चक्कर का समय निकाल लो, एक चक्कर का समय हो गया, एक चक्कर का समय हो गया 1/50, और आधे चक्कर का समय हो गया 1/50 और नीचे 2, और ये सेकंड है तो 1000 से और गुणा कर दो, ये क्या हो गया बच्चों मिली सेकंड, क्लियर। तो आप बताइए ये मिली सेकंड है, ये भी मिली सेकंड आ गया, काट दो इसको 10 मिली सेकंड, ये आएगा नहीं क्योंकि कोई जरूरी है कि ये आए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि डेटा, डेटा कितना है, डेटा के बारे में दे नहीं रखा, तो सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम 22 सेकंड आपका एक्सेस टाइम हो जाएगा, एक्सेस टाइम हो जाएगा, क्लियर। आज की क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिए, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की, क्लियर है बच्चों। और बाकी बच्चों डीप में पढ़ना है तो ऐप पे चले जाओ, भयंकर डीप में मैंने पढ़ा रखा है, 2024 के कंटेंट में ये वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लियर है। तो ये पूरा मेमोरी का कंसेप्ट बताया आज मैंने, टर्नरी स्टोरेज और कौन कौन से क्या क्या है ओवरव्यू देने की कोशिश की है, क्लियर है बच्चों, और बताया करो, लोगों तक पहुंचाया करो। धन्यवाद। पहले 50 को कर लो या पूरे को एक साथ कर लो, परिवर्तन तो कर ही सकते हो। निशा नागर बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार, ठीक है। औरों को भी बताया करो, बताया करो बच्चों, लिंक डाला करो, लिंक डाल दिया करो, जहां पर कोई क्लास चले वहां पर एक बार इसकी क्लास देखो, ऐसे लिख दिया करो कि ठीक है, उससे पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है। चलो मैथ रीजनिंग मैं आपको ले लूंगा 2-3 दिन में, सर की जीके खत्म हो रही है, करंट जीके, तो मैं वहां पर ले लूंगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग भी आपको करा देंगे और इतनी जबरदस्त तरीके से करा देंगे, बस एक बार मेरे सारे वीडियो देख के आ जाना। डेटा सफिशियंसी DI अच्छी तरीके से अपन को करना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार सारे रीजनिंग के वीडियो देख के आ जाना, 100 के आसपास मैंने रीजनिंग और मैथ के वीडियो बनाए, एक बार देख के आ जाइएगा, पूरा देख के आ जाना, पूरा सिस्टमेटिक डाल रखा है। सब क्वेश्चन लेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, क्लियर है। तो 2-2 घंटे आपकी रीजनिंग ले लेंगे, 2-2 घंटे कंप्यूटर ले लेंगे, तो रीजनिंग की क्लास आप एक बार देख के आइएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो दुनिया की प्रॉब्लम है, जो वायरल है, जो हो नहीं पाते एग्जामिनेशन हॉल में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए धन्यवाद।